हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एस सपोर्ट पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 3x3 रूबिक्स क्यूब को कम्प्लीटली सॉल्व करके बताने वाला हूं। और ये वीडियो मैं इतना डिटेल में बना रहा हूं फ्रेंड्स कि मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि अगर आपको रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना नहीं आता है और आपने ये वीडियो कम्प्लीट देख लिया तो आप रूबिक्स क्यूब को बहुत आसानी से मैक्सिमम 5 मिनट में सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, ये मैं मैक्सिमम टाइम दे रहा हूँ। और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे सॉल्व करना सीखने के बाद, ठीक है, आपका टाइम उतना ही कम होता चला जाएगा। मतलब आप 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट में भी आसानी से इसको सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, सो बस आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और बहुत ईजीएस्ट मेथड अभी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और आप क्यूब भी बहुत आसानी से सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको इस रूबिक्स क्यूब के पीसेस के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप क्यूब को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, आप मेरे हाथ में ये रूबिक्स क्यूब देख रहे होंगे। इस रूबिक्स क्यूब में फ्रेंड्स टोटल 3 तरह के पीसेस होते हैं। एक सेंटर पीस कहलाता है, दूसरा एज पीस कहलाता है और तीसरा कॉर्नर पीस कहलाता है। ठीक है, सो ये सेंटर पीस आप समझ रहे होंगे, हर लेयर के मतलब हर साइड के सेंटर पे मिडल पे जो पीस है उसको हम सेंटर पीस बोलते हैं और ये एक कलर का होता है। ठीक है, मतलब सेंटर पीस में एक कलर होता है। एज पीस की अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया, एज पीस 2 कलर का होता है। ठीक है, ये देखिए आप, 2 कलर वाला पीस, 2 कलर वाला पीस, यहाँ पर भी आप देखिए 2 कलर वाला पीस, इसको हम एज पीस बोलते हैं। और जिस पीस में 3 कलर होता है, ठीक है, उसको हम कॉर्नर पीस बोलते हैं। ये देखिए 1, 2, 3 कलर, 1, 2, 3, 1, 2, 3। सो इस रूबिक्स क्यूब में टोटल 3 तरह के पीसेस होते हैं, मैंने आपको समझा दिया, एक सेंटर पीस, दूसरा एज पीस और तीसरा कॉर्नर पीस। 6 साइड्स होते हैं इस रूबिक्स क्यूब में, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ये 6 साइड होते हैं, तो टोटल 6 सेंटर पीसेस हो गए। और अगर मैं कॉर्नर पीस की बात करूं तो कॉर्नर पीस टोटल 8 होते हैं, 1, 2, 3, 4 और बॉटम लेयर पे 4, 1, 2, 3, 4, तो टोटल 8 कॉर्नर पीसेस हो गए और 6 सेंटर पीसेस हो गए। ठीक है, एज पीस की अगर मैं आपसे बात करूं तो एज पीस जो है 2 कलर वाला पीस, ये टोटल 12 होता है। ठीक है, इस लेयर में आप देखिए 1, 2, 3, 4, इसमें 4 है आपका, इसमें भी आपका 4 है, 1, 2, 3, 4। और बीच वाले लेयर में, इस लेयर में अगर आप देखेंगे तो इस लेयर में भी आपका 4 एज पीस है, मतलब 2 कलर वाला जो पीस है वो 4 है। ये देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, 2, यहाँ पर 1, 3 और ये वाला 1, 4। ठीक है, सो टोटल इसमें 6 सेंटर पीसेस हो गए। 2 कलर वाला जो एज पीस है वो 12 है और जो कॉर्नर पीस है 3 कलर वाला वो टोटल 8 है। और एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है फ्रेंड्स कि जब भी आप इस 2 कलर वाले पीस को ढूंढेंगे ना, तो वो आपको दोनों कॉर्नर्स के बीच में ही मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको माइंड में रखना है। और कॉर्नर पीस जो है वो आपको हमेशा कॉर्नर वाले प्लेस पे ही मिलेगा। कॉर्नर का प्लेस कौन सा है, 1, 2, 3, 4, मतलब इन 4 लोकेशन पे ही आपको ये 3 कलर वाला पीस मिलेगा, या तो फिर नीचे इन 4 लोकेशन पे, 1, 2, 3, 4, बस इन्हीं 8 लोकेशन पे आपको ये कॉर्नर पीस मिल सकता है, 3 कलर वाला कॉर्नर पीस। ठीक है, और ये जो 2 कलर वाला एज पीस है 2 कॉर्नर्स के बीच में ही आपको मिलेगा। ठीक है, आप कितना भी क्यूब को रोटेट कर लीजिए, आपको इन दोनों कॉर्नर्स के बीच में ही 2 कलर वाला एज पीस मिलेगा। सो चलिए फ्रेंड्स, हम क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस क्यूब को हम लेयर बाई लेयर सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम किसी भी एक लेयर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे लेयर को सॉल्व करेंगे और फिर लास्ट में जो बचा हुआ तीसरा लेयर होगा उसको सॉल्व करके हम क्यूब को कुछ इस तरीके से कम्प्लीटली सॉल्व कर लेंगे। सो इस ट्यूटोरियल को ईजी बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैंने इस 3 लेयर को सॉल्व करने का जो प्रोसेस है उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड कर रखा है, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। और इन 5 स्टेप्स में से जो पहला स्टेप होता है, उसमें हमें किसी भी साइड को चूज़ करके, मतलब जिस साइड से भी हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहते हैं, उस साइड का हमें क्रॉस कंप्लीट करना होता है। सो आप सेंटर पीस को देख करके अपना साइड डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस साइड से क्यूब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी भी साइड से वैसे क्यूब बना सकते हैं, क्योंकि कलर का ही डिफरेंस होता है लेकिन प्रोसेस एक ही होता है। वैसे मैं इस वीडियो में आपको
वाइट सेंटर के साइड से क्यूब सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सो आप अभी क्यूब सीख रहे हैं, सो बेटर होगा कि आप भी वाइट साइड से ही क्यूब सॉल्व कीजिए अभी, सो ज़्यादा ईजी होगा आपके लिए समझना। सो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है कि जिस साइड से भी हम, जैसे वाइट साइड से मैं बना रहा हूँ, उस क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो हमें वाइट साइड पे पहले उसका क्रॉस कंप्लीट करना होता है, वाइट कलर का क्रॉस कंप्लीट करना होता है। मैं आपको दिखाता हूँ क्रॉस कंप्लीट होने के बाद किस तरीके से दिखेगा क्यूब। ये देखिए, जब हम वाइट साइड से क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं या फिर किसी भी साइड से क्यूब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो हमें उस साइड पहले उस कलर का क्रॉस कंप्लीट करना होता है। सो अभी हम वाइट साइड से सॉल्व करने वाले हैं, तो हमें इस तरीके से क्रॉस कंप्लीट करना होगा। और क्रॉस कंप्लीट करने के लिए हमें चार एज पीसेस की ज़रूरत होगी, मतलब दो कलर वाला जो पीस होता है उसको एज पीस बोलते हैं, ये मैंने आपको बताया था। सो ये देखिए, दो कलर वाला एज पीस जो है ये हमें लगाने होते हैं, एक दो तीन चार, ये चार एज पीसेस लगाने होते हैं, तो जाकर के ये क्रॉस कंप्लीट होता है। और एज पीस को लगाते वक्त हमें ध्यान ये देना है कि एज पीस का जो दूसरा साइड होता है वो भी दूसरे लेयर के सेंटर पीस के साथ मैच करना चाहिए। ये आप देख रहे होंगे ऊपर क्रॉस कंप्लीट है और एज पीस का जो दूसरा साइड है वो मैच कर रहा है इधर दूसरे लेयर के सेंटर के साथ। सो इसी तरीके से हमें क्रॉस कंप्लीट करना है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप क्रॉस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि जिस भी कलर का हमें क्रॉस बनाना हो, मतलब जिस साइड से भी हम रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने वाले हों, ठीक है, सो हमें उस साइड पे पहले हमें उस कलर का क्रॉस बनाना होगा। जैसे अभी मैं वाइट साइड से क्यूब को सॉल्व करके बताने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया। सो हमें सबसे पहले वाइट कलर का क्रॉस बनाना होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल इस तरीके से दिखेगा, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया भी। और ये देखिए, क्रॉस बनाने के लिए बस हमें क्या करना है कि चार दो कलर वाले एज पीसेस ढूंढ करके लगाने हैं। दो कलर वाला एज पीस, ये देखिए दो कलर वाला एज पीस जो कि वाइट के साथ भी एक साइड से मैच कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस बनने के बाद। और एज पीस का जो दूसरा साइड होगा वो भी आपका दूसरे लेयर के सेंटर पीस के साथ मैच कर रहा होगा बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। सो बस हमें यही चार एज पीसेस ढूंढ करके क्रॉस बनाने का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन हमें इसमें ध्यान क्या देना है कि जिस साइड भी हमें क्रॉस बनाना होगा, जैसे हमें वाइट क्रॉस बनाना है, ठीक है, सो वाइट कलर का जो सेंटर है ना, इसको हमें टर्न करके डाउन साइड में कर देना है, नीचे कर देना है। क्रॉस इस तरीके से बनेगा, ठीक है, लेकिन हमें अभी बनाने वक्त जो वाइट कलर का सेंटर है, चूँकि वाइट क्रॉस बनाना है, तो वाइट कलर का जो सेंटर है इसको हमें टर्न करके डाउन साइड कर देना है, ठीक है। और वो चार एज पीसेस ढूंढने हैं जिसमें कि एक कलर वाइट हो, और उन चारों एज पीसेस को ढूंढ करके हमें इसके ऑपोजिट साइड में एक दो तीन चार, इन चारों प्लेस पर लेकर के आना है, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वो हम फाइंड करके किस तरीके से ऊपर लेकर के आएंगे। सो मैंने अभी वाइट को, वाइट सेंटर को नीचे कर दिया है वाइट क्रॉस बनाने के लिए, और अब हमें यहाँ पे इसके ऑपोजिट में एक दो तीन चार, इन चारों प्लेसेस पे वाइट एज पीस ढूंढ करके लेकर के आना है, ठीक है। मतलब एक कलर वाइट हो और दूसरा तो दूसरा ही कलर होगा, ठीक है। सो अभी ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक एज पीस ऑलरेडी हमें ऊपर में मिल रहा है, ठीक है। सो एक एज पीस तो हमें ऊपर में मिल रहा है, लेकिन ये जो है वो गलत तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर हमें क्या ध्यान देना है कि वाइट कलर जो है, मतलब जिस भी कलर का हमें क्रॉस बनाना हो, ठीक है, जैसे वाइट क्रॉस बनाना है, सो हमें एज पीस में वाइट कलर जो है वो ऊपर के साइड में चाहिए, ना कि दूसरे साइड में चाहिए। ये चीज़ आप बस माइंड में रखिएगा कि हमें एज पीस में, मतलब जैसे वाइट क्रॉस हमें बनाना है, तो जो वाइट कलर होगा एज पीस का वो हमें ऊपर में चाहिए, ठीक है। सो अभी आप ध्यान दीजिए कि अगर इस लेयर को हम कितना भी रोटेट करते हैं तो वाइट कलर जो है हमारा वो ऊपर नहीं आ रहा है। सो इसमें हमें क्या ध्यान देना है, जब हम लेयर रोटेट कर रहे होंगे वाइट कलर ऊपर नहीं आ रहा होगा, तो बस हमें इसका लेयर चेंज कर देना है। जैसे इस लेयर से वाइट कलर ऊपर नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है, सो इसको अगर मैं एक बार ऐसे टर्न करता हूँ, और ये देखिए दूसरे लेयर से अगर मैं ऐसे ऊपर करता हूँ इसको, तो वाइट कलर बहुत आसानी से ऊपर आ गया। सो आपको ये चीज़ माइंड में याद रखना है कि अगर, मतलब पीस ऊपर आ जाए लेकिन क्या है कि वो सही तरीके से लगा ना हो, वाइट कलर ऊपर ना हो, और लेयर रोटेट कर रहे हो वाइट कलर ऊपर नहीं आ रहा हो, तो बस इसका लेयर चेंज कर देना है। एक बार ऐसे टर्न करना है और आपको ये देखिए दूसरे लेयर से ऊपर कर देना है इस तरीके से, या तो फिर आप इस साइड से भी कर सकते हैं। ये देखिए, इधर भी आपने इसको ऐसे टर्न किया, इस पीस को यहाँ से यहाँ ऐसे टर्न किया, और इस लेयर से भी अगर आप ऐसे ऊपर करते हैं तो आपका वाइट पीस जो है वो ऊपर आ गया, ठीक है। आप क्लियर समझ गए, एक पीस हमारा लग गया, अब हम दूसरे पीस को ढूंढते हैं। ये देखिए दूसरा पीस जो है वो यहाँ पे दिख रहा है,
वाइट और रेड वाला पीस, ठीक है, इसको भी हमें ऊपर लेकर के आना है। और ये भी बिल्कुल देखिए उसी तरीके से लगा हुआ है कि ऊपर तो आ जा रहा है लेकिन वाइट कलर जो है वो ऊपर के साइड में नहीं है। सो इस केस में हमें क्या करना होगा कि बस लेयर चेंज करना है, जैसा मैंने आपको बताया। सो लेयर चेंज करने के लिए एक बार मैंने ऐसे टर्न किया और मैं इसको ऐसे ऊपर करके लगा देता हूँ, ठीक है। लेकिन ये देखिए, ये जो हमारा बना हुआ पीस था, ठीक है, जो मतलब एक एज पीस ऑलरेडी बना हुआ है जिसका कि वाइट कलर ऊपर है, ये ऐसे करने से ख़राब हो रहा है। सो उस केस में आपको क्या करना है कि इस लेयर को टर्न करके जो खाली स्पेस है, ठीक है, मतलब एक एज पीस तो हमारा सही तरीके से आ गया है ऊपर, जहाँ पे हमारा एज पीस सही तरीके से नहीं लगा हुआ है, मतलब जो यूज़लेस है, ये भी हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। सो जो काम का नहीं है उसको हम टर्न करके उस प्लेस पे लेकर के आ जाएंगे जहाँ पर हम इसको ऐसे टर्न करें तो हमारा बना हुआ पीस ख़राब ना हो। सो आपने देख लिया कि बहुत आसानी से हमने दूसरे पीस को भी लगा लिया यहाँ पे, ठीक है, लेयर चेंज करके। मतलब पहले इस लेयर में था, इस लेयर को हम कितना भी रोटेट कर रहे थे तो वाइट कलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा था। सो हमने हाफ टर्न किया इसको, मतलब एक बार ऐसे टर्न किया और लेयर चेंज करके सिंपल हम दूसरे साइड से ऊपर कर दिए और हमारा दूसरा एज पीस भी लग गया, ठीक है। अब हम तीसरा एज पीस ढूंढते हैं। ये देखिए तीसरा एज पीस यहाँ पर दिख रहा है जिसमें कि वाइट कलर है, ठीक है। सो इस एज पीस को हम सिंपल इस तरीके से ऊपर कर सकते हैं और ये बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर मान लेते कि हम इसको इस साइड से टर्न कर रहे होते तो ये देखिए इस साइड से हमारा वाइट कलर जो है वो ऊपर नहीं जा रहा होता और जो बना हुआ पीस था वो भी ख़राब हो रहा होता, ठीक है। सो हमने क्या किया कि इसको इस साइड से ऐसे टर्न ना करके इस साइड से टर्न कर दिया सिंपल, और हमारा वाइट कलर जो है एज पीस में वो ऊपर आ गया है, ठीक है। अब हम लास्ट एज पीस को ढूंढते हैं। ये देखिए लास्ट एज पीस हमें यहाँ पर दिख रहा है जिसमें कि वाइट कलर है, ठीक है। सो इस एज पीस को आप देखिए, मतलब अगर हम इस लेयर को रोटेट करते हैं तो ये वाला हमारा जो ऊपर बना हुआ है ये ख़राब हो रहा है, ठीक है। सो सिंपल हम नीचे वाले लेयर को टर्न करके हम ऐसे प्लेस पे लेकर के आते हैं, मतलब जहाँ पर हमें लगाना है, ठीक है। एक दो तीन, ये तीन तो लगा हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ पर ही लेकर के आना होगा इस पीस को, तभी हम यहाँ पे इसको सही तरीके से फिक्स कर सकेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना है कि नीचे वाले लेयर को टर्न करके उस एज पीस को ऐसे प्लेस पे लेकर के आना है कि जब हम लेयर को रोटेट करके उस एज पीस को ऊपर कर रहे हों तो जो हमारे बने हुए पीसेस हैं वो ख़राब नहीं हो रहे हों। और अब आप देखिए वही सिचुएशन मिल रहा है कि लेयर को कितना भी रोटेट कर रहे हैं लेकिन ये सही तरीके से ऊपर नहीं जा रहा है, मतलब वाइट कलर ऊपर नहीं हो रहा है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि इसका लेयर चेंज करना है। ऐसे हमने लेयर चेंज किया और इस साइड से ऊपर करना है हमें, ठीक है, लेकिन हमारा बना हुआ पीस जो है वो ख़राब हो रहा है। सो उस केस में मैंने आपको क्या कहा था कि जिस प्लेस का हमारा यूज़ ना हो, मतलब जो एज पीस गलत तरीके से लगा हो या फिर जहाँ पे वाइट कलर वाला एज पीस ना हो, उसको हमें क्या करना है, सिंपल टर्न करके उस प्लेस के पास लेकर के जाना है जहाँ पर हमें इस लेयर को टर्न करने से वो पीस अगर दूसरे साइड चला जाए, ठीक है, तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े और हमारा चारों एज पीस जो है वो ऊपर में आ जाए। सो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि चारों एज पीसेस जो है हमारा ऊपर में आ गया, जिसमें कि वाइट कलर ऊपर में है। वाइट क्रॉस बनाना हमें यहाँ पर है, ठीक है, और वाइट सेंटर को हमने बॉटम पे कर दिया था, नीचे कर दिया था, और चारों एज पीसेस जिसमें कि वाइट कलर है वो हमने ढूंढ करके एक एक करके ऊपर अरेंज कर लिए हैं, ठीक है, और वाइट कलर ऊपर में है। सो इसके बाद हमें क्या करना है कि एक एक करके इस लेयर को रोटेट करना है, ठीक है, और एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको हमें सेंटर के साथ मैच करना है, ठीक है। जैसे ये देखिए सेंटर के साथ ये मैच कर गया, ये वाला एज पीस वाइट और ब्लू वाला, ब्लू सेंटर के साथ मैच कर गया। और जब मैच कर जाता है तो दो बार टर्न करना है, एक बार, दो बार। दो बार आप टर्न करेंगे तो सिंपल ये देखिए वाइट के साथ मैच कर गया और मतलब एज पीस का जो दूसरा साइड है वो भी आपका सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो एक एज पीस हमारा सही तरीके से लग गया। अब हम दूसरे एज पीस को भी सही तरीके से लगाते हैं। सो फिर से आपको वही करना है कि एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको सेंटर के कलर के साथ मैच कराना है पहले। सो ये देखिए इसको हम टर्न करते हैं, मतलब इस तरीके से टर्न करके आपको सेंटर के कलर के साथ मैच कराना है, और मैच कराने के बाद बस आपको दो बार टर्न करना है, एक बार, दो बार। दो बार आपने टर्न किया और ये देखिए ये दूसरा एज पीस भी जो है आपका सही तरीके से लग गया है, जो कि वाइट के साथ मैच कर रहा है, और जो दूसरा साइड है वो भी दूसरे साइड के सेंटर पीस के साथ मैच कर रहा है। सो ये दो एज पीस आपका करेक्ट तरीके से लग गया। उसके बाद अब इन दोनों एज पीसेस को भी हमें सही तरीके से लगाना है। सो ये देखिए रेड जो है, मतलब इसको हम रेड सेंटर के साथ मैच कराते हैं पहले,
ये देखिए वाइट और रेड वाला जो पीस है इसको हम मतलब रेड को रेड के साथ हमने मैच कराया और इसको हमें दो बार टर्न करना है, एक बार दो बार, दो बार टर्न किया हमने और इस तरीके से हमारा तीनों एज पीसेस जो है वो सही तरीके से लग गया है, जो कि दोनों साइड से मैच कर रहा है, मतलब इस साइड से भी सेंटर के साथ मैच कर रहा है और ऊपर से वो वाइट के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। अब लास्ट एज पीस को भी हम वैसा ही करते हैं कि सेंटर के साथ हमने मैच कराया, ठीक है, सेंटर और एज का कलर और सेंटर का कलर मैच कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बस हमें एक बार दो बार ऐसे टर्न करना है और हमारा इस तरीके से वाइट क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जिस भी कलर का हम क्रॉस बना रहे होंगे मेथड यही है, ठीक है, कि दूसरे साइड में हमें मतलब जिस कलर का हमें क्रॉस बनाना है उस कलर के सेंटर को हमें टर्न करके नीचे करना है और चार एज पीसेस ढूंढने हैं जिसमें कि जिस कलर का क्रॉस बनाना है एज पीस में वो वाला कलर ऊपर रखना है, ठीक है, और फिर एज पीस को मतलब इस लेयर को टर्न करके एज पीस का जो दूसरा साइड होगा उसको सेंटर के कलर के साथ मैच कराना है और दो बार उस लेयर को रोटेट करके दूसरे साइड में लेकर के आ जाना है जिससे कि हमारा क्रॉस कंप्लीट हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स क्रॉस बनाने का, ठीक है। अब मैं आपको सेकंड स्टेप बताता हूँ। सेकंड स्टेप में हमें कॉर्नर्स को फिक्स करने होते हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। सो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, बिल्कुल ये देखिए मैच कर रहा है सेंटर के साथ, दोनों साइड से पीसेस लगे हुए हैं, आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है, ये देखिए लगा हुआ है, ये भी देखिए आप यहाँ पर भी लगा हुआ है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया और फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होने के बाद जो सेकंड स्टेप है कॉर्नर बनाना, ठीक है, कॉर्नर पीसेस को लगाना। कॉर्नर पीस जब हमारा लग जाएगा सो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो अब हमें कॉर्नर पीसेस को फिक्स करना है, एक दो तीन चार। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कॉर्नर पीसेस को कैसे फिक्स करना है। सेकेंड स्टेप फ्रेंड, सेकेंड स्टेप होगा हमारा कॉर्नर्स को फिक्स करना, ठीक है। ये एक दो तीन चार, ये तीन कलर वाले पीसेस, मतलब तीन कलर वाला पीस जो कॉर्नर पीस होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको हमें फिक्स करना होगा, तब जा करके हमारा फर्स्ट लेयर सॉल्व होगा, ठीक है। सो कॉर्नर्स को फिक्स करने से पहले आपको क्यूब को थोड़ा सा और समझना होगा, क्योंकि कॉर्नर को फिक्स करने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। सो फार्मूला आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसे लेयर को रोटेट करना है, वो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं आर इनवर्स बोलूँ डी इनवर्स बोलूँ तो आपको कौन से लेयर को किस तरीके से टर्न करना है। सो आइए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको फार्मूला अप्लाई करना है, उसके बाद फिर हम कॉर्नर्स को वन बाई वन करके फिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस 3x3 रूबिक्स क्यूब में टोटल 6 साइड्स होते हैं, ठीक है, और हम उन साइड्स को किस तरीके से पहचानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे रेड वाला साइड जो है, ठीक है, वो मेरे फेस के साइड में है, ठीक है, और ब्लू वाला साइड मेरे राइट हैंड साइड है, ये मेरे लेफ्ट हैंड साइड है ग्रीन वाला साइड, ठीक है। सो जो राइट हैंड साइड होता है उसको हम आर लेयर बोलते हैं, ठीक है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड वाले को एल बोलते हैं, उसी तरीके से सारे लेयर्स को बोलते हैं। ये मेरा फ्रंट लेयर हो गया एफ, ये अपर लेयर हो गया यू बोलते हैं इसको, ठीक है, और ये बैक लेयर हो गया इसको बी बोलते हैं, और ये डाउन लेयर हो गया इसको डी बोलते हैं, ठीक है। सो ये हो गए लेयर्स, और इसको किस तरीके से रोटेट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से रोटेट करता है, ठीक है। जब भी मैं आर बोलूँ तो क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, इस तरीके से राइट लेयर को क्लॉकवाइज मूव कराना होगा, ठीक है, और आर इनवर्स हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। सेम एल के केस में हो जाएगा लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है, एल जब भी मैं बोलूँ, ठीक है, तो क्लॉकवाइज मूवमेंट ये देखिए इधर होगा, ठीक है, एल इस तरीके से, और एल इनवर्स बोलने का मतलब इधर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से यू अगर आप देखें तो यू बोलने पे इस तरीके से, यू इनवर्स बोलने पे इस तरीके से, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। डाउन लेयर के लिए अगर मैं बताऊँ तो डी के लिए भी इस तरीके से हमें टर्न करना है, ठीक है, क्लॉकवाइज, और डी इनवर्स के लिए इधर टर्न करना है, ठीक है। फ्रंट लेयर के लिए देखिए एफ बोलने पे इधर क्लॉकवाइज, एफ इनवर्स बोलने पे इस साइड, ठीक है। बैक लेयर के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, क्लॉकवाइज मूव मतलब बी बोलने पे क्लॉकवाइज मूवमेंट इधर करना है आपको, और बी इनवर्स बोलने पे इसी को इधर टर्न करना है आपको, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स कि आपको लेयर को रोटेट करना और फार्मूला अप्लाई करना आ गया होगा कि आर इनवर्स बोलने पे कैसे रोटेट करना है या डी इनवर्स बोलने पे कैसे रोटेट करना है, ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी क्यूब के लेयर को रोटेट करने में, या फिर फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है वो समझ में नहीं आया होगा, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ा डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है कि किस तरीके से लेयर को रोटेट करना है और कैसे फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। सो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको इन चारों कॉर्नर पीसेस को
फिक्स करने के लिए बताता हूँ कि किस तरीके से फ़िक्स करना है। कॉर्नर पीस को फिक्स करने से पहले फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे होंगे कि इसमें वाइट कलर ऊपर है ऑलरेडी, ठीक है, ये कॉर्नर इस कॉर्नर में, लेकिन क्या है कि ये कॉर्नर जो है ये गलत प्लेस पे लगा हुआ है। आप ये देखिए, यहाँ पर वाइट तो वाइट के साथ मैच कर रहा है, लेकिन इधर से आपका ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट लेयर कंप्लीट होने के बाद क्यूब आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका, ये देख रहे हैं, ये चारों साइड से, मतलब 1, 2, 3, 4, ये चारों साइड से जो है आपका वो कंप्लीट इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। सो वाइट कलर सिर्फ हमें ऊपर नहीं करना है, वाइट कलर ऊपर करने के साथ, मतलब कॉर्नर पीस में वाइट कलर ऊपर करने के साथ साथ हमें क्या ध्यान देना है कि कॉर्नर पीस का जो 1, 2 और 3, ये तीनों साइड जो होगा ना, ठीक है, वो सेंटर के कलर के साथ मैच करेगा, ठीक है, सेंटर के कलर के साथ, तब जा करके हमारा कॉर्नर पीस सही तरीके से फिक्स होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमें जो कॉर्नर पीस लगाना होगा वो एक साइड से वाइट होगा, वाइट सेंटर के साथ मैच करेगा यहाँ पे, ठीक है, दूसरे साइड से जो होगा वो ऑरेंज कलर होगा, और तीसरे साइड से जो होगा वो ग्रीन कलर होगा, ठीक है। सो आप समझ गए, कॉर्नर पीस हमें कहाँ पे कौन सा कॉर्नर पीस लगाना है वो सेंटर पीस को देख करके आइडिया लगाना होता है। जैसे यहाँ पर जो कॉर्नर पीस लगेगा उसमें वाइट, ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन होगा, और यहाँ पर जो कॉर्नर पीस लगेगा उसमें वाइट, ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन होगा, तब जा करके यहाँ पर सही तरीके से, मतलब यहाँ पर सही कॉर्नर पीस आएगा, ठीक है। सो चलिए हम फाइंड करते हैं एक एक करके कॉर्नर पीसेस और उनको उनके सही प्लेस पे फिक्स करते हैं। सो सबसे पहले चलिए हम यहाँ पर इस कॉर्नर पीस को फिक्स करते हैं, जो कि वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस हमें ढूंढना है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस, ठीक है। सो वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस हम देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि कॉर्नर कॉर्नर वाले प्लेस पे ही मिलेगा, या तो आपको 1, 2, 3, 4, इन चार लोकेशन पे टॉप लेयर पे, या तो फिर आपको नीचे वाले लेयर पे, डाउन लेयर पे 1, 2, 3, 4, इन चार लोकेशन पे मिलेगा, ठीक है। सो बस हमें इन्हीं 8 लोकेशन पे ढूंढना है कॉर्नर पीस को। सो यहाँ पे हमें वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस लगाना है। सो वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर है आपका, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला कॉर्नर पीस हमें ऊपर वाले लेयर में ही मिल गया, ठीक है। सो हमें इस पीस को यहाँ पे लगाना है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले प्लेस पे लगाना है। सो इस पीस को हम ऐसे टर्न करेंगे अगर यहाँ पर लेकर के आते हैं, ठीक है। सो हमारा ये देखिए, जो क्रॉस बना हुआ था वो ख़राब हो गया, क्योंकि क्रॉस का जो दूसरा साइड होता है ना, वो सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ भी मैच किया हुआ होना चाहिए। सो ये हमारा ख़राब हो रहा है। सो हम इसको ऐसे रोटेट नहीं कर सकते डायरेक्टली, ठीक है। अभी मैंने इसको फिर से वापस ठीक कर लिया है। अभी हमें क्या करना है कि वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को सबसे पहले, मतलब हमें कॉर्नर को फिक्स करने का जो मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें कॉर्नर पीस को ढूंढना है, और ढूंढ करके नीचे वाले लेयर में लेकर के आना है सबसे पहले, ठीक है। सो नीचे वाले लेयर में लाने का सबसे ईजी तरीका क्या है कि इस लेयर को हम टर्न करते हैं ऐसे, और ये देखिए टर्न करने से आपका एक जो बना हुआ एज पीस है वो ख़राब हो रहा है। सो हम ऐसे टर्न करके ये जो कॉर्नर पीस है हमें इसको डाउन लेयर में लेकर के आना है। तो हम यहाँ पर से इसको साइड कर देते हैं और इस लेयर को वापस ऊपर कर देते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉस बना हुआ है, प्लस बना हुआ है, ये हमारा ख़राब ना हो, ठीक है। सो आप समझ गए, सिंपल। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। इस वाले पीस को हमें निकालना है, ठीक है, यहाँ पर हमें फिक्स करना है। वाइट, ग्रीन और ऑरेंज कलर का जो आपको कॉर्नर दिख रहा है, इसको हमें यहाँ पर फिक्स करना है, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले प्लेस पे, ठीक है। सो इस पीस को हमें सबसे पहले, मतलब सारे पीस को एक एक करके हमें, मतलब जिस पीस को जहाँ पर भी फिक्स करना होगा, सबसे पहले हमें उस पीस को ढूंढ करके नीचे वाले लेयर में लेकर के आना है। तो अभी हमें जिस पीस को निकालना है वो हमें टॉप लेयर पर मिल रहा है। तो टॉप लेयर से निकालने के लिए हम अगर लेयर को टर्न कर रहे हैं तो हमारा बना हुआ क्रॉस जो है वो ख़राब हो रहा है। तो उस केस में हमें क्या करना है कि लेयर को ऐसे टर्न तो करना है, क्रॉस ख़राब हो जाने दीजिए, और इस डाउन साइड वाले लेयर को टर्न करके आपको जिस पीस को हमें निकालना है उसको आप साइड कर दीजिए। मतलब आपने इस लेयर को टर्न करके ऐसे डाउन किया, इसको आप साइड करके हटा दीजिए और वापस इस लेयर को ऊपर कर दीजिए, ताकि आपका ये जो बना हुआ पीस था वो बना का बना रहे, और जिस पीस को आपको निकालना था, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को, वो आपका निकल करके नीचे डाउन वाले लेयर में आ जाए। सो डाउन वाले लेयर में आने के बाद अब आप इसको कितना भी रोटेट करेंगे, कितना भी टर्न करेंगे, आपका ऊपर ख़राब होने वाला नहीं है, ठीक है। सो जब हमें नीचे वाले लेयर में मिल जाए, डाउन वाले लेयर में हमें मिल जाए वो कॉर्नर पीस, जिस पीस को हमें फिक्स करना है, ठीक है। सो जहाँ पर भी हमें उस पीस को फिक्स करना है, उस प्लेस के बिल्कुल नीचे लेकर के आना है। सो हमें ये देखिए, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को
ये देखिए वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को यहाँ पर फिक्स करना है, और जहाँ पर फिक्स करना है बिल्कुल उसके नीचे लेकर के आना है। सो मैंने इस लेयर को रोटेट करके वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को, वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाले पीस को जहाँ पे फिक्स होना है बिल्कुल उसके नीचे लेकर के मैं आ गया, ठीक है। और क्यूब को कुछ इस तरीके से होल्ड करना है कि ये वाला जो पीस है वाइट, ऑरेंज और ग्रीन वाला पीस, इसको ऊपर जाना होगा। और ये ऊपर कौन सा प्लेस है, ये देखिए फ्रंट लेयर, राइट लेयर, फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर प्लेस होगा ये। मतलब इस पीस को ऊपर जाना है, और ऊपर जाने वाला जगह कौन सा होगा, फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर प्लेस। आपको क्यूब इसी तरीके से होल्ड करना है, और स्क्रीन पे जो फार्मूला दिख रहा है बस आप इस फार्मूला को अप्लाई कीजिए। आपको ये फार्मूला तब तक अप्लाई करना है जब तक कि वाइट कलर जो है, मतलब सही कॉर्नर पीस का वाइट कलर ऊपर ना आ जाए। हमें इस कॉर्नर पीस के कलर से मतलब नहीं है, ठीक है, हमें इस कॉर्नर पीस के वाइट कलर से मतलब है। ये इस कॉर्नर पीस का वाइट कलर जब ऊपर आ जाएगा तो हमारा ये कॉर्नर सही तरीके से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो स्क्रीन पे जो फॉर्मूला दिख रहा है बस आप उस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, और आपको ध्यान में ये रखना है कि जिस कॉर्नर पीस को ऊपर जाना है वो प्लेस आपका फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर प्लेस होगा। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम, RIDIRD। ये देखिए पीस ऊपर आ गया है लेकिन वाइट कलर जो है वो ऊपर साइड में नहीं है, ठीक है। सो मल्टीपल टाइम हमें अप्लाई करना है जब तक कि वाइट कलर ऊपर ना आ जाए सही वाले पीस का। RIDIRD दो बार में भी नहीं आया, ये देखिए वो पीस वापस से नीचे आ गया है, ठीक है, और सही तरीके से अभी यहाँ पे नहीं लगा है। फिर हम अप्लाई करते हैं RIDIRD। ये देखिए अभी हमारा जो पीस, मतलब जिस पीस को हमें जहाँ पे लगाना था वो वहाँ पे लग गया है और सही तरीके से लग गया है। वाइट वाइट सेंटर के साथ मैच कर रहा है, ऑरेंज ऑरेंज के साइड मैच कर रहा है, और ग्रीन जो है ग्रीन के साइड मैच कर रहा है। सो इसी तरीके से हमें चारों कॉर्नर्स को फिक्स करने हैं, ठीक है। पहले हमें कॉर्नर पीस को ढूंढना है, ढूंढ करके जहाँ पर लगना है उसके बिल्कुल नीचे लेकर के आना है, और उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो एक पीस हमने फिक्स कर लिया, अब हम दूसरा पीस देखते हैं। यहाँ पर देखिए कौन से कलर का पीस लगेगा, कौन कौन से कलर का कॉर्नर पीस लगेगा। एक साइड से वाइट होना चाहिए, वाइट सेंटर के साथ मैच करे, दूसरे साइड से ग्रीन, और एक साइड से रेड, यानी कि वाइट ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन वाला कॉर्नर पीस हमें ढूंढना है। देखते हैं कि वो कॉर्नर पीस कहाँ है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, वाइट ग्रीन और रेड यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। और अब नीचे देखते हैं, यहाँ पर ये कॉर्नर पीस नहीं है, ये देखिए वाइट ग्रीन और रेड के कॉम्बिनेशन वाला कॉर्नर पीस जो है वो हमें नीचे वाले लेयर में मिल रहा है, ठीक है। सो नीचे वाले लेयर में आपको पता है कि हम कितना भी रोटेट करें ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सो अब हमें क्या करना है कि वाइट ग्रीन और रेड, मतलब जहाँ पर जिस कॉर्नर पीस को लगना है, ठीक है, बिल्कुल उस प्लेस के नीचे लेकर के आना है। सो मैंने क्या किया कि इस लेयर को रोटेट करके वाइट ग्रीन और रेड वाले कॉर्नर पीस को जहाँ पर लगना है बिल्कुल उस प्लेस के नीचे लेकर के आ गया मैं। और सेम फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, RIDIRD वाला, और इस पीस को ऊपर जाना होगा, और ऊपर वाला प्लेस कौन सा होगा, मैंने आपको बताया फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर प्लेस होगा, ठीक है। सो फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं RIDIRD। ये देखिए पीस ऊपर आ गया है, ठीक है, वाइट रेड और ग्रीन वाला, लेकिन सही तरीके से लगा नहीं है। सो हमें फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, RIDIRD। मल्टीपल टाइम आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए जब तक कि सही तरीके से लग ना जाए। RIDIRD। सो ये देखिए कॉर्नर जो है सही तरीके से फिक्स हो गया है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एक और एक ये दो कॉर्नर जो है सही तरीके से फिक्स हो गए हैं। अब हमें तीसरा कॉर्नर भी फिक्स करना है। सो तीसरे कॉर्नर को फिक्स करने के लिए हम देख लेते हैं कि कौन से कलर का कॉर्नर पीस यहाँ पे लगाना होगा, कौन कौन सा कलर होना चाहिए। वाइट ब्लू और ऑरेंज, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि वाइट ब्लू और ऑरेंज कलर का कॉर्नर पीस यहाँ पे लगाना है। तो हम देखते हैं वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस कहाँ पर है, ऊपर में नहीं है वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस, तो नीचे में ही मिलेगा ऑब्वियसली। और ये देखिए वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला, ये देखिए यहाँ पर है वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस जो है नीचे वाले लेयर में मिला हमें, ठीक है। और इस लेयर को हम, मतलब नीचे वाले लेयर को टर्न करके बिल्कुल जहाँ पे फिक्स होना है उसके नीचे लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। सो वाइट ब्लू और ऑरेंज वाले प्लेस के बिल्कुल नीचे लेकर के आ गया मैं वाइट ऑरेंज और ब्लू वाले कॉर्नर पीस को, ठीक है।
अगर ये ऊपर भी होता, ठीक है, तो मैंने आपको ऊपर से निकालने के लिए ऑलरेडी बताया हुआ है इस तरीके से, एक मिनट। अगर मान लेते हैं कि ये देखिए वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस ऊपर होता, ठीक है, और हमें यहाँ पे फिक्स करना है वाइट ब्लू और ऑरेंज वाले प्लेस पे, ठीक है, आप ये कॉर्नर पीस देख रहे होंगे। सो इस पीस को हम सिंपल पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब निकालते वक्त हमारा ये एज पीस ख़राब हो रहा होता, सो हम निकालने के लिए पहले ऐसे डाउन करते हैं, इस पीस को हम साइड कर लेते और इस लेयर को वापस ऊपर कर देते ताकि ये हमारा क्रॉस या फिर प्लस जो भी आप बोल लीजिए ये हमारा ख़राब नहीं हो, ठीक है। और नीचे वाले लेयर को फिर हम रोटेट करके उस पीस को जहाँ पर लगना होगा बिल्कुल उसके नीचे लेकर के आएंगे, ठीक है। सो वाइट ब्लू और ऑरेंज वाले प्लेस पे, मतलब वाइट ब्लू और ऑरेंज वाला कॉर्नर पीस जो है जहाँ पर लगना है बिल्कुल मैं उसके नीचे लेकर के आ गया हूँ, ये देखिए आप वाइट ऑरेंज और ब्लू वाला कॉर्नर पीस, ठीक है। और सेम फॉर्मूला आपको रिपीट करना है, आर आई डी आई आर डी, आर आई डी आई आर डी, आर आई डी आई आर डी, ये देखिए बिल्कुल सही तरीके से ये कॉर्नर हमारा फिक्स हो गया। इस तरीके से हमारा तीनों कॉर्नर जो है सही तरीके से फिक्स हो गया, अब हमारा लास्ट कॉर्नर बचा हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमें वाइट रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन वाला कॉर्नर पीस ढूंढना है जो कि यहाँ पर नहीं है, मतलब पहले से यहाँ पर नहीं है तो ऑब्वियसली वो नीचे वाले लेयर में होगा, ठीक है। तो बस नीचे वाले लेयर को हमें टर्न करके जो वाइट ब्लू और रेड वाला कॉर्नर पीस होगा उसको हमें जहाँ पे फिक्स होना है, मतलब यहीं पे फिक्स होना है, तो उसके नीचे लेकर के आ जाना है। सो मैंने इस लेयर को रोटेट किया और वाइट ब्लू और रेड वाला कॉर्नर पीस जो है जहाँ पर फिक्स होना है बिल्कुल उस प्लेस के मैं नीचे लेकर के आ गया, ठीक है। और सेम फॉर्मूला हमें रिपीट करना है, आर आई डी आई आर डी, आर आई डी आई आर डी, आर आई डी आई आर, आपको डी भी कंप्लीट करना है। ये देखिए आर में आपका ये कंप्लीट हो जा रहा है लेकिन आपको साथ साथ डी भी कंप्लीट करना है। डी मैं आपको इसलिए कंप्लीट करने बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक हैबिट डेवलप करनी है आपको। लास्ट लेयर में भी हमें कॉर्नर को फिक्स करने के लिए आर आई डी आई आर डी फार्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। सो उसमें कई लोग क्या करते हैं कि लास्ट में डी नहीं अप्लाई करते हैं जिस वजह से उनका क्यूब सॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। सो आपको आर आई डी आई आर डी पूरा कंप्लीट फार्मूला लगाने की हैबिट डेवलप करनी है ताकि लास्ट लेयर में जा कर के आपसे कोई मिस्टेक ना हो। सो इस तरीके से आपने देखिए आपने फर्स्ट लेयर जो है वो कंप्लीट कर लिया है जो कि आपका ये देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऊपर आपका वाइट कलर पूरा बन गया है, ठीक है, और साइड से भी आप देख रहे होंगे कि आपका कंप्लीट बन गया और बीच वाला जो एज पीस है दो कलर वाला वो सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ इस तरीके से मैच कर रहा है जो कि आपका इस कंडीशन में क्यूब आ गया है, ठीक है। सो आपने क्या ध्यान दिया, हमने वाइट क्रॉस पहले कंप्लीट किया फर्स्ट स्टेप में जिसमें कि हमने वाइट क्रॉस बनाने के लिए क्यूब को ऐसे डाउन साइड में रखा था, मतलब जिस साइड भी हमें क्रॉस बनाना था उस साइड के सेंटर के कलर को हमने डाउन साइड में रखा था और क्रॉस बनाया था, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि कॉर्नर को फिक्स किया। कॉर्नर को फिक्स करने के लिए हम जिस साइड भी कॉर्नर बनाने वाले थे उस लेयर को हमने टॉप पे रखा था, ठीक है। सो अभी हमने टॉप पे रख करके कॉर्नर बनाया था और इस तरीके से हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको थर्ड स्टेप बताता हूँ। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि हमें सेकेंड लेयर को कंप्लीट करना होगा और सेकेंड लेयर को कंप्लीट करना फ्रेंड्स बहुत ईजी है, ठीक है। सेकेंड लेयर में बस हमें चार एज पीसेस लगाने हैं। ये देखिए एक एज पीस, दूसरा एज पीस, ये तीसरा एज पीस और ये चौथा एज पीस। एक एज पीस ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं इसको भी अभी निकाल करके ख़राब कर दूंगा, ठीक है, ताकि मैं आपको चारों एज पीसेस एक एक करके लगा करके दिखा सकूं कि चारों एज पीसेस को कैसे लगाया जाता है। और चारों एज पीस जब लग जाएगा तो आपका क्यूब जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये देखिए सेकेंड लेयर, मतलब जब दो लेयर हमारा सॉल्व हो जाएगा तो क्यूब कुछ इस कंडीशन में दिखेगा हमारा, आप देख रहे हैं। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड लेयर को किस तरीके से बनाना है। सो फ्रेंड्स अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है और इस स्टेप में हम क्यूब के सेकेंड लेयर को कम्प्लीटली सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी क्यूब दिखाया भी कि क्यूब कुछ इस कंडीशन में दिखेगा जब हमारा सेकेंड लेयर सॉल्व हो जाएगा तो। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सेकेंड लेयर कैसे सॉल्व करना है। सेकेंड लेयर सॉल्व करने के लिए फ्रेंड हमें एक चीज़ का ध्यान देना है कि हमने जो फर्स्ट लेयर अभी सॉल्व किया है, ठीक है, उस लेयर को हमें टॉप पे रखना है। अगर हमने क्यूब इधर उधर किसी भी साइड टर्न किया होता तो बस हमें टर्न करके जो हमारा सॉल्व किया हुआ लेयर है इसको हमें टॉप पे रखना है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान देना है कि अगर हमने टॉप पे रखने के बाद इस लेयर को अगर ऐसे टर्न किया है, ठीक है, तो टर्न करने के बाद हमें
एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको हमें सेंटर के साथ मैच कर लेना है, मिसमैच कंडीशन में नहीं रखना है। जैसे ये देखिए मिसमैच है, इसको मिसमैच कंडीशन में नहीं रखना है, इसको हमें मैच करा लेना है टर्न करके। ये देखिए तो मैंने टर्न करके ऐसे मैच करा लिया है, ठीक है। सो अगर आपने भी ऐसे टर्न किया मिसमैच कंडीशन में है तो आप टर्न करके वापस से इसको मैच करा लीजिए। एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको आप सेंटर से मैच करा लीजिए और उसके बाद फिर अब हम सेकेंड लेयर को कंप्लीट सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बस इसमें चार एज पीसेस फिक्स करने हैं, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये चीज़, 1, 2, 3 और ये चारों एज पीसेस हमें लगाने हैं, ठीक है। सो चारों एज पीसेस लगाने के लिए फ्रेंड हमें क्या ध्यान देना है कि हमें जिस भी एज पीस को फिक्स करना है ना, हमें उस एज पीस को थर्ड लेयर में लाना होगा, या तो वो ऑलरेडी पहले से ही थर्ड लेयर में आपको मिलेगा, और अगर थर्ड लेयर में नहीं मिलेगा तो वो सेकेंड लेयर में आपका होगा, ठीक है। इसी सेकेंड लेयर में कहीं पे लगा होगा गलत तरीके से या फिर किसी दूसरे जगह पे लगा होगा, ठीक है। सो अगर वो सेकेंड लेयर में आपको मिलता है तो पहले उसको निकाल करके आपको थर्ड लेयर में लेकर के आना होगा, और अगर थर्ड लेयर में मिलता है तो ठीक है, हम उसको डायरेक्टली फिर सही जगह पे फिक्स कर सकते हैं, ओके। सो हमें सबसे पहले ये देखना है कि कहाँ पर कौन सा एज पीस लगने वाला है। अगर मैं इस प्लेस की बात करूँ, सो यहाँ पर आप देखिए एक साइड से एज पीस का कलर रेड होना चाहिए ताकि वो रेड कलर के सेंटर के साथ मैच करे, और एक साइड से एज पीस का कलर ब्लू होना चाहिए ताकि वो ब्लू कलर के सेंटर के साथ मैच करे। अगर मैं आपको इस क्यूब में दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से, ये देखिए एज पीस का जो कलर है ब्लू, वो ब्लू सेंटर के साथ मैच कर रहा है, और रेड कलर जो है वो रेड सेंटर के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ब्लू और रेड वाला पीस सेकेंड लेयर में है या नहीं है, और सेकेंड लेयर में अगर होगा तो उसको हमें निकालना होगा, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेकेंड लेयर में है या नहीं है ब्लू और रेड वाला पीस, ठीक है। यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, और यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ब्लू और रेड वाला एज पीस जो है वो सेकेंड लेयर में नहीं है, तो थर्ड लेयर में होगा, नीचे वाले लेयर में होगा, ठीक है। सो अब हम ढूंढते हैं वो वाला पीस जिसमें कि रेड और ब्लू कलर हो, ठीक है, एज पीस में। इसमें नहीं है, ये देखिए इसमें मिल गया हमें, ठीक है। मतलब कहीं पर भी होता तो हम इसको रोटेट करके फाइंड कर लेते, ठीक है, ब्लू और रेड वाले एज पीस को। और जब हमें वो पीस मिल जाए तो हमें क्या ध्यान देना है फ्रेंड कि एज पीस का जो कलर होगा, ठीक है, एज पीस का जो कलर होगा उसको हमें सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ मैच कराना है, ठीक है। अभी जैसे देखिए रेड कलर दूसरे साइड में है और ब्लू कलर ऊपर है, तो ये ब्लू सेंटर के साथ मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अगर रेड कलर ऊपर में होता तो इस पीस को हमें फिक्स करने के लिए रेड के साथ मैच कराना होता, अगर रेड कलर ऊपर होता तो। लेकिन अभी ब्लू कलर ऊपर है तो हम क्या करेंगे कि इसको ब्लू कलर के सेंटर के साथ मैच कराएंगे, ठीक है। सो ये देखिए रेड और ब्लू वाला जो एज पीस है वो हमें मिल गया है, और एज का जो कलर है वो मैंने सेंटर के साथ मैच करा दिया। आपको भी इसी कंडीशन में लाना होगा जिस भी पीस को आपको फिक्स करना होगा, ठीक है। सो हमने मैच करा दिया यहाँ पर। जब एज और सेंटर पीस का कलर मैच कर जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, सो इसमें हमें दो कंडीशन मिलेंगे, या तो इस पीस को हमें राइट साइड लेकर के जाना होगा या तो लेफ्ट साइड फिक्स करना होगा, ठीक है। और अभी आप इस कंडीशन में देख रहे होंगे कि रेड और ब्लू वाले पीस को राइट साइड हमें लेकर के नहीं जाना है, रेड और ब्लू वाले पीस को हमें लेफ्ट साइड लेकर के जाना है। आपको दिख रहा होगा ये रेड और ब्लू वाला पीस यहाँ पर लेफ्ट साइड में फिक्स होने वाला है, ठीक है। सो मैं इसको लेफ्ट साइड में भी फिक्स करने को आपको बताने वाला हूँ और राइट साइड में भी फिक्स करने को आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको दूसरा पीस अभी मिलेगा जो कि शायद हो सके आपको राइट साइड में फिक्स करने का मिले, ठीक है। सो राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों साइड फिक्स करने के लिए मैं आपको सिंपल सा मूव्स बताने वाला हूँ, ठीक है। हम चाहें तो उस मूव्स के थ्रू भी फिक्स कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जिन लोगों को वो मूव समझ में नहीं आता है, मैं फॉर्मूला लिख दूंगा स्क्रीन पे, वो फार्मूला देख करके फिक्स कर सकते हैं, और फार्मूला कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं बताऊंगा। फार्मूला भी बस हमें ऐसे ही अप्लाई करना है कि एज और सेंटर के कलर को मैच करा लेना है जिस भी पीस को मतलब हमें फ़िक्स करना है, और राइट साइड में अगर फिक्स करना होगा तो हमें राइट साइड वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, और लेफ्ट साइड में अगर हमें फिक्स करना है तो लेफ्ट साइड वाला फार्मूला अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अभी वाले केस में क्या है कि ये वाले पीस को लेफ्ट साइड में जाना है, तो अभी स्क्रीन पे मैं लेफ्ट साइड वाला फार्मूला लिख रहा हूँ, आप फार्मूला देखिए। ये वाला फार्मूला आप क्यूब को इस तरीके से होल्ड करके अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब रेड और ब्लू वाले पीस को लेफ्ट साइड जाना है, ठीक है। आपने एज और सेंटर के कलर को मैच करा दिया है, ये लेफ्ट साइड जाएगा, और ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है उस फॉर्मूला को कंप्लीट अप्लाई कर दीजिए, आपका ये वाला पीस जो है सही तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में फिक्स हो जाएगा। सो फॉर्मूला आपने देख लिया, अब हम सिंपल मूव्स के थ्रू इसको फिक्स करके दिखाते हैं। सिंपल मूव्स के थ्रू मतलब वही स्टेप है, वही फॉर्मूला है, लेकिन मैं आप इसको आपको मेमोराइज करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। सो जिस भी पीस को लेफ्ट साइड जाना हो, ठीक है,
उस पीस को आप लेफ्ट साइड ना ले जा करके आप राइट साइड ले जाइए, ठीक है। मतलब नीचे वाले लेयर को, इस वाले पीस को यहाँ पर जाना है, ठीक है, रेड और ब्लू वाले पीस को यहाँ पर जाना है। सो इस पीस को आप इधर ना ले जा करके राइट साइड पहले टर्न कर लीजिए, ठीक है, सिंपल। उसके बाद जिस लाइन में जाना है, मतलब यहाँ पर जाना था ना, रेड और ब्लू वाले पीस को यहाँ पर लगना था, सो जिस लाइन में जाना था उस लेयर को आपको टर्न करके डाउन साइड करना है, ठीक है। और आपने रेड और ब्लू वाला पीस जो साइड किया था उसको आपको वापस उसी प्लेस पे लेकर के आ जाना है, सेंटर के साथ मैच करा देना है, और वापस इस लेयर को, जिस लेयर को आपने डाउन किया था उस लेयर को आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेम फॉर्मूला के जैसा ही मूव है, लेकिन मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये ऊपर कर देना है आपको, जब आप इसको ऊपर करेंगे तो आपका एक कॉर्नर जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। ये कॉर्नर आपका ख़राब हो गया, और कॉर्नर जब ख़राब हो जाएगा आपका, तो बस आपको क्या करना है कि इस कॉर्नर को सही तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देना है। और जब आप इस कॉर्नर को सही तरीके से यहाँ पे फिक्स कर देंगे तो आपका रेड और ब्लू वाला पीस भी यहाँ पर सही से फिक्स हो जाएगा, और ये कॉर्नर भी सही से फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इस कॉर्नर को यहाँ पे फिक्स करने के लिए हमें सिंपल क्या करना होगा कि इस लेयर को हम साइड करते हैं, आपको दिख भी रहा होगा कि इसको सीधा ऊपर जाना है, तो ऐसे हम सीधा ऊपर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो हमें इसको साइड करना होगा, ऐसे हमने साइड किया, ठीक है। ये देखिए, वाइट रेड और ब्लू वाले कॉर्नर पीस को ऊपर लेकर के जाना है हमें, ठीक है। अब हमें कॉर्नर फिक्स करना है, कॉर्नर फिक्स करेंगे तो ये वाला पीस हमारा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा, ठीक है। सो इसको फिक्स करने के लिए हमने इस पीस को साइड किया इधर, ठीक है, और इस लेयर को हमने ऐसे टर्न किया, ठीक है। और जब साइड किए हुए लेयर को हम ऐसे वापस लेकर के आते हैं, ठीक है, तो ये देखिए कॉर्नर यहाँ पे सही तरीके से मैच कर गया, और फिर से इस लेयर को हमें ऊपर कर देना है, ठीक है। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर भी सही तरीके से फिक्स हो गया, और हमारा एज पीस भी जो है वो सही तरीके से लग गया है यहाँ पे। सो अब एक पीस हमारा सही तरीके से फिक्स हो गया है, और आपने लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला देख लिया, और मैंने सिंपल मूव भी आपको बता दिया कि सिंपल मूव के थ्रू आप कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एज पीस फिक्स करके दिखाता हूँ। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लू और ऑरेंज वाला एज पीस लगने वाला है, और ब्लू ऑरेंज एज पीस यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन गलत तरीके से लगा हुआ है। यानी कि ब्लू कलर को इधर होना चाहिए था और ऑरेंज कलर को इधर होना चाहिए था, तब जा करके ये वाला पीस सही तरीके से यहाँ पे फिक्स होता, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर गलत तरीके से लगा हो या फिर गलत जगह पे लगा हो सेकेंड लेयर में, तो पहले उस पीस को हमें निकालना होगा, थर्ड लेयर में लाना होगा, और थर्ड लेयर में लाने के बाद फिर हम फिक्स करेंगे, ठीक है। सो इस केस में हमें क्या करना होगा कि किसी भी एक एज पीस को हमें यहाँ पर फिक्स कर लेना होगा, मतलब यहाँ पर शिफ्ट कर देना होगा। जब हम दूसरे एज पीस को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे, ठीक है, किसी एक एज पीस को यहाँ पर अगर हम लगा देते हैं तो ये वाला एज पीस ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगा, थर्ड लेयर में आ जाएगा, और थर्ड लेयर से फिर हम आसानी से यहाँ पर सही तरीके से फिक्स कर लेंगे, ठीक है। सो अभी आपने लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला देखा, अब मैं किसी भी एक पीस को राइट साइड में फिक्स कर देता हूँ, मतलब राइट साइड वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ इस पीस को निकालने के लिए, ठीक है। मतलब यहाँ पर रख करके मैं कोई भी एक एज पीस को राइट साइड फिक्स कर देता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं ये वाला पीस जो है यहाँ पर से इधर शिफ्ट करूँ, ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि इस केस में लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, लेकिन अभी मैंने लेफ्ट साइड वाला आपको दिखा दिया। तो अब मैं इस पीस को, मतलब किसी भी एक पीस को, इसको मैं राइट साइड ऐसे शिफ्ट करूँगा, ठीक है, ताकि आप राइट साइड वाला भी फॉर्मूला देख लें, ठीक है। सो राइट साइड वाला फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देखिए, और आप इस तरीके से क्यूब को होल्ड करेंगे, ठीक है, मतलब ये वाला पीस आपका जो है ये राइट साइड में यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, सेकेंड लेयर में यहाँ पर फिक्स हो जाएगा, और ये वाला पीस आपका निकल जाएगा, ठीक है। सो आप ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है वो आप अप्लाई कीजिए, और अगर आपको मूव्स के थ्रू करना है तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से कीजिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी पीस को जिधर जाना होता है, जैसे इस पीस को राइट साइड जाना है तो इसको हमें राइट साइड ना ले जा करके लेफ्ट साइड लेकर के जाना है, तो मैं इसको लेफ्ट साइड टर्न कर देता हूँ, ठीक है, लेफ्ट साइड मैंने टर्न कर दिया। और जिस लेयर में जाना होता है उस लेयर को डाउन करना होता है, मैंने डाउन कर दिया, ठीक है, और फिर से नीचे वाले लेयर को हमें वापस लेकर के आना होता है, ठीक है, और जिस लेयर को हम डाउन करते हैं, ठीक है, उसको हमें वापस ऊपर कर देना होता है। इस प्रोसेस में हमारा एक कॉर्नर ख़राब होता है, ठीक है, ये देखिए कॉर्नर हमारा ख़राब हो गया है, और बस हमें कॉर्नर को फिक्स करना होता है। सो कॉर्नर कैसे फिक्स होगा एक बार में, देखिए इस नीचे वाले लेयर को हमने ऐसे साइड किया, ठीक है, इस लेयर को हमने ऐसे डाउन किया, और वापस से इसको हम लेकर के आते हैं, ये देखिए कॉर्नर के साथ ऐसे मैच कर गया, और इस लेयर को फिर से हम वापस ऐसे ऊपर कर देते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर जो पीस था वो निकल के थर्ड लेयर में आ गया है, और ग्रीन और रेड वाला पीस जो यहाँ पर से हम राइट साइड में फिक्स कर रहे थे वो यहाँ पर फिक्स हो गया। सो आपने राइट साइड वाला फॉर्मूला भी देख लिया कि कैसे
पीस को फिक्स भी करने के लिए यूज़ करना है और पीस को निकालने के लिए भी यूज़ करना है। मतलब अगर गलत पीस लगा हुआ है तो निकालने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं और सही तरीके से फिक्स करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अब देखिए ब्लू और ऑरेंज वाला पीस जो है निकल करके थर्ड लेयर में आ गया, तो अब हम ढूंढते हैं कहाँ पर है वो पीस। ये देखिए ब्लू और ऑरेंज वाला पीस जो है निकल करके थर्ड लेयर में आ गया था, वो हमें मिल भी गया है। अब हमने क्या किया, सिंपल कि एज पीस का जो कलर है वो सेंटर से मैच करा दिया, ठीक है। अगर ऑरेंज कलर ऊपर में होता, ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लेकर के आते, अगर ऑरेंज कलर ऊपर होता तो, ठीक है। लेकिन अभी ब्लू कलर ऊपर है तो हम ब्लू के साथ यहाँ पे मैच करा दिए, ठीक है। और अब देखिए इसको राइट साइड में ही फिक्स होना है, ठीक है। सो राइट साइड वाला जो फॉर्मूला था, फिर से मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ये वाला पीस सही तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और मूव के थ्रू करना है तो जैसे मैंने मूव अभी बताया था वही सेम मूव आपको अप्लाई करना है। इस पीस को राइट साइड जाना है तो आपको लेफ्ट साइड लेकर के जाना होगा, ठीक है। मतलब इस वाले पीस को राइट साइड यहाँ पे लगना है, ठीक है। सो आप इसको लेफ्ट साइड लेकर के गए, जिस लेयर में लगना है, ठीक है, उस लेयर को आपको टर्न करके डाउन करना है। और जिस पीस को आप लेफ्ट साइड लेकर के गए थे, इस ऑरेंज और ब्लू वाले पीस को, ठीक है, उसको आपको वापस लेकर के आना है और सेंटर के साथ मैच करा देना है, जिसमें कि आपका एक कॉर्नर ख़राब हो जाता है और इस लेयर को ऊपर करना होता है। मतलब ये कॉर्नर आपका ख़राब हो गया, ये देखिए जब आप इधर लेकर के आए तो ये जो बना हुआ कॉर्नर था आपका, वापस लाने पर ये कॉर्नर ख़राब हो गया आपका और इसको आपको ऊपर करना होता है, ठीक है। सो जब आपका कॉर्नर ख़राब हो जाता है तो जब आप कॉर्नर फिक्स करते हैं तो आपका ये वाला पीस ऑटोमेटिकली यहाँ पे सही से फिक्स हो जाता है। और इसको फिक्स करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, आप सिंपल देख रहे होंगे कि इस लेयर को हमें, नीचे वाले लेयर को अगर हम इधर साइड करते हैं, इसको हम डाउन करते हैं वापस, ठीक है, और इसको हम वापस ले करके आते हैं तो ये कॉर्नर सही से मैच कर गया और इसको हम फिर ऊपर करके ऐसे फिक्स कर लेते हैं तो ये कॉर्नर भी सही से फिक्स हो गया और ये भी पीस हमारा सही से फिक्स हो गया, ठीक है। सो दो एज पीसेस हमारे सही तरीके से लग गए हैं। और अब आप समझ भी गए होंगे राइट साइड वाला फॉर्मूला और लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला, कि एज पीस को सेंटर के कलर के साथ मैच कराना होता है और राइट साइड अगर जा रहा है तो राइट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेफ्ट साइड जा रहा है तो लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और मूव्स के थ्रू कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, वो सेम फॉर्मूला वाला ही प्रोसेस है, बस मैंने याद करने का सिस्टम एक तरह से आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं ग्रीन और रेड वाला एज पीस यहाँ पर लगेगा, ठीक है। सो ग्रीन और रेड वाला एज पीस पहले हम देखते हैं सेकंड लेयर में है या फिर कहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ऑब्वियसली वो, चूँकि ये दो पीस लगा हुआ है सही तरीके से फिक्स है, तो अब वो नीचे वाले लेयर में मिलेगा, जब यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। सो ग्रीन और रेड वाला एज पीस, ये देखिए ग्रीन और रेड वाला एज पीस हमें यहीं पर मिल रहा है, ठीक है। और ये ग्रीन ग्रीन के साथ मैच कर रहा है, मतलब ग्रीन एज पीस ग्रीन सेंटर के साथ मैच कर रहा है, हम यहाँ पर से नहीं लगा सकते फॉर्मूला। अगर रेड ऊपर में होता तब हम यहाँ पर से लगाते रेड के साथ मैच करा के। सो अभी ग्रीन के साथ मैच कर रहा है तो हम ग्रीन के साथ, मतलब ग्रीन कलर अभी एज में ऊपर साइड में है, ठीक है, जो कि सेंटर के साथ मैच कर रहा है, तो हम इसको यहीं पर रखेंगे, ठीक है। मतलब जहाँ पे मैच कर रहा है वहीं पे रखेंगे। और देखिए अभी ये राइट साइड जा रहा है या लेफ्ट साइड जाने वाला है, किधर जाने वाला है, ठीक है। सो ये रेड और ग्रीन वाला पीस राइट साइड जाने वाला है, सो हमें राइट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देखिए, अगर मूव्स के थ्रू अप्लाई करना है तो बस सिंपल मूव्स कीजिए कि जिस पीस को राइट साइड जाना है उसको हमें पहले लेफ्ट साइड लेकर के जाना होगा, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को टर्न करना है और लेफ्ट ले गए हुए पीस को आपको वापस लेकर के आना है और जिस लेयर को आपने डाउन किया उसको वापस आपको ऊपर कर देना है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपका कॉर्नर एक ख़राब होता है, कॉर्नर को फिक्स करने के लिए बस आपको दिख रहा होगा कि इस वाले पीस को आप अगर ऐसे साइड करते हैं, इस लेयर को ऐसे अगर आप डाउन करते हैं, ठीक है, और वापस ला करके यहाँ पर अगर इसको मैच करा देते हैं, ठीक है, और इसको वापस ऐसे कर देते हैं तो आपका ये कॉर्नर सही से फिक्स हो गया और ये भी वाला एज पीस जो है वो सही तरीके से लग गया। तो इस तरीके से हमारा 1, 2, 3 एज पीस सही तरीके से फिक्स हो गया। अब हमारा लास्ट एज पीस सही तरीके से हमें लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए ये सही एज पीस सही जगह पे लगा हुआ है लेकिन कलर फ्लिप किया हुआ है, रेड और ऑरेंज, मतलब दूसरे साइड में ऑरेंज इधर होना चाहिए था, रेड और ऑरेंज और ग्रीन कलर वाला जो पीस है वो गलत तरीके से लगा हुआ है, ऑरेंज इधर और ग्रीन इधर होना चाहिए था, ठीक है। सो इस पीस को हमें निकालना है, निकालने के लिए वही हम कर सकते हैं कि किसी भी एक पीस को अगर ऐसे करके अप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और अगर ऐसे करके अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। मतलब इस पीस को लेफ्ट साइड भी फिक्स करके हम इस पीस को निकाल सकते हैं और किसी पीस को राइट साइड भी फिक्स करके निकाल सकते हैं। सो चलिए अब मैं लेफ्ट साइड फिक्स करता हूँ, ठीक है। ये वाला पीस जो है इसको हम यहाँ पर फिक्स करेंगे तो ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस निकल करके थर्ड लेयर में आ जाएगा, ठीक है। सो लेफ्ट साइड फिक्स करने के लिए फॉर्मूला स्क्रीन पर देखिए और मूव्स के थ्रू करना है तो मैं आपको बता रहा हूँ।
इस पीस को हम यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं इसको निकालने के लिए, ठीक है, ग्रीन और ऑरेंज को निकालने के लिए। सो इस पीस को यहाँ पर लेकर के जाना है, लेफ्ट साइड लेकर के जाना है, तो हम राइट साइड में लेकर के जाते हैं, जिस लेयर में जाना है उस लेयर को डाउन करते हैं और राइट साइड में ले गए हुए पीस को वापस, मतलब उस लाइन लेयर को हम वापस टर्न करेंगे और जिस लेयर को हमने डाउन किया था उस लेयर को हमें वापस ऊपर कर देना है, सिंपल। इसमें हमारा एक कॉर्नर ख़राब होता है, कॉर्नर को हमें फिक्स करने के लिए एक बार में फिक्स करना होता है, बस हम इसको ऐसे साइड कर रहे हैं, ये देखिए वाइट वाला जो पीस है हमारा, इसको हम इस साइड साइड कर रहे हैं, इस लाइन को ऐसे डाउन किया हमने, इसको फिर हम वापस लेकर के आ गए, कॉर्नर हमारा मैच कर गया और इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये देखिए ऑरेंज और ग्रीन वाला जो पीस था, एज पीस था, वो निकल करके थर्ड लेयर में आ गया है, ठीक है। अभी आप थर्ड लेयर में ढूंढिए, ये देखिए ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस ये निकल गया है और थर्ड लेयर में आ गया है, और थर्ड लेयर में आने के बाद आपको पता है बस कि एज पीस का जो कलर ऊपर में है उसको हम सेंटर के साथ मैच कराएंगे। यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर ऊपर में है तो ग्रीन के साथ मैच कर रहा है, और जब मैच कर रहा है तो हमें देखना है राइट साइड जाना है या लेफ्ट साइड जाना है, तो इस केस में लेफ्ट साइड जाना है। सो जो सेम फार्मूला भी हमने अप्लाई किया, सेम फार्मूला फिर से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, या मूव्स के थ्रू करना है तो आपको जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से कर सकते हैं। इस पीस को लेफ्ट साइड जाना है तो हम राइट साइड लेकर के गए, इस लेयर को डाउन किया हमने और वापस लेकर के आ गए हम लेफ्ट साइड, राइट साइड ले गए हुए पीस को, ठीक है। और जिस लेयर को हमने डाउन किया था उसको हम ऊपर कर देते हैं। उसके बाद हमारा कॉर्नर ख़राब होता है, एक कॉर्नर को फिक्स करने के लिए इसको हमने इधर साइड किया, इस लेयर को हमने ऐसे डाउन किया, वापस इसको हम ला करके यहाँ पे मैच करा दिए, और उसके बाद फिर हम इस लेयर को ऊपर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कॉर्नर भी फिक्स और ये भी एज पीस सही तरीके से फिक्स हो गया, ये आप देख रहे होंगे। सो ये हमारा सेकेंड लेयर कम्प्लीटली सॉल्व हो गया और थर्ड स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया, और अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लास्ट लेयर को सॉल्व करना है, ठीक है। सो ये दो स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया है, तीन स्टेप हमारा कम्प्लीट हो गया और दो लेयर हमारा सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब हमें थर्ड लेयर को सॉल्व करना है। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड लेयर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और आपने देखा कि हमने किस तरीके से फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर को कम्प्लीटली सॉल्व किया। जब हमारा ये दोनों लेयर सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, सो उसके बाद हमें इस सॉल्व किए हुए लेयर को टर्न करके डाउन साइड में कर देना है, ठीक है। और जिस लेयर को अब हमें सॉल्व करना है, मतलब लास्ट लेयर को, उसको हमें अपर लेयर में रखना है। ये देखिए अपर लेयर में मैंने अनसॉल्व लेयर को रखा है, ठीक है, मतलब इस लेयर को सॉल्व करना है हमें अब, ठीक है। सो आप भी सॉल्व किए हुए लेयर को डाउन साइड में ऐसे टर्न कर दीजिए और अपर लेयर पर रख लीजिए जिस लेयर को सॉल्व करना है। उसके बाद हम यहाँ पे दो पार्ट में इस अपर लेयर को सॉल्व करते हैं फ्रेंड, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम 1, 2, 3, 4 ये चारों एज पीसेस को सही तरीके से फिक्स करते हैं। सही तरीके से फिक्स करने का मतलब क्या हुआ कि पहले हमें ऊपर में क्रॉस बनाना होगा, अभी हमें येलो क्रॉस बनाना होगा, ठीक है। सो पहले हमें ऊपर में येलो क्रॉस बनाना होगा, एज पीस का सारा कलर हमें ऊपर में लेकर के आना होगा, मतलब सारा येलो कलर ऊपर लेकर के आना होगा इन चारों एज पीस का, 1, 2, 3, 4 इन चारों एज पीस का येलो कलर ऊपर में लेकर के आना होगा, तो येलो क्रॉस बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखिए कुछ इस तरीके से ऊपर में येलो क्रॉस बन जाएगा दोनों लेयर। ये देखिए यहाँ पर भी आपका कम्प्लीटली सॉल्व है, और ऊपर में पहले हमें येलो क्रॉस बनाना होगा फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। और उसके बाद येलो क्रॉस बनाने के बाद आप ये देखिए ये आपका सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। सो येलो क्रॉस बनाने के बाद जो सेकेंड स्टेप होगा वो ये होगा कि हम इन एज को इनकी सही पोजीशन पर लेकर के जाएंगे। जैसे मैं इसको अगर सही प्लेस पे लेकर के जा रहा हूँ तो ये वाला ख़राब हो जा रहा है, ये देखिए ये ख़राब हो गया, ये ख़राब हो गया, ठीक है। सो सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, जब हमारा क्रॉस बन जाएगा उसके बाद हम 1, 2, 3, 4 इन चारों एज पीसेस को उनके सही जगह पर ले जा करके कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे, तब जा करके हमारा ये एज पीस सही तरीके से फिक्स हो जाएगा और हम लास्ट स्टेप यानी कि फिफ्थ स्टेप में हम कॉर्नर्स को सही तरीके से फिक्स करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहले क्रॉस कैसे बनाना है, उसके बाद फिर एज पीसेस को कैसे सही जगह पर लेकर के जाना है। सो क्रॉस बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें टोटल 3 कंडीशंस मिलेंगे, ठीक है। पहला कंडीशन ये मिलेगा आपको फ्रेंड कि येलो क्रॉस जैसे आपको बनाना है, अभी दो लेयर आपका सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। सो आपके टॉप पे जो भी कलर है उस कलर का आपको क्रॉस बनाना है। सो हमने वाइट से सॉल्व करना स्टार्ट किया था, वाइट हमारे बॉटम पे है और अब वाइट के ऑपोजिट में येलो कलर है, तो अब हमें ऊपर में येलो क्रॉस बनाना है। सो येलो क्रॉस बनाने के लिए जब लास्ट लेयर में हमें येलो क्रॉस बनाना होता है, सो उसमें जो 3 कंडीशन मिलेंगे उसमें पहला कंडीशन ये हो सकता है कि आपको किसी भी एज पीस में येलो कलर आपको ऊपर में नहीं दिखेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 इन देखिए इन चारों एज पीस में येलो कलर जो है वो ऊपर में नहीं है, पहला कंडीशन ये है।
सेकंड कंडीशन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा फ्रेंड्स कि ये देखिए ये भी क्यूब आपका सॉल्वड है और इसमें दो एज पीस जो होगा मतलब दो एज पीस का येलो कलर जो होगा वो ऊपर होगा और सेंटर के साथ मैच कर रहा होगा और उल्टे एल शेप के कंडीशन में होगा। ठीक है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, उल्टा एल शेप आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, सो दो एज पीस ऊपर में है और ऊपर में दो एज पीस का येलो कलर ऊपर में है तो येलो कलर ऊपर में होगा तो ऑब्वियसली ये सेंटर के साथ मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, सो पहला केस कोई भी एज पीस का येलो कलर ऊपर नहीं होगा, सेकेंड केस दो कलर मतलब दो एज पीस का येलो कलर ऊपर होगा और वो उल्टे एल शेप वाले कंडीशन में होगा। ठीक है, और जो थर्ड केस आपको मिलेगा, थर्ड केस में भी आपको एज पीस का येलो कलर, दो एज पीस का येलो कलर ऊपर में मिलेगा लेकिन वो आई शेप में होगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन वाले शेप में होगा। ठीक है, सो बस यही तीन कंडीशंस आपको मिलेंगे फ्रेंड क्रॉस बनाने के लिए, मतलब जब आप ऊपर में प्लस बना रहे होंगे सॉल्व करने के लिए तो। ठीक है, सो पहला कंडीशन आपने देख लिया, कोई भी एज पीस का येलो कलर ऊपर नहीं है। सेकंड कंडीशन, दो एज पीस का येलो कलर ऊपर है लेकिन वो उल्टे एल शेप वाले कंडीशन में है। और तीसरा कंडीशन क्या है कि दो एज पीस ऊपर है येलो कलर, मतलब दो एज पीस का येलो कलर ऊपर है लेकिन वो आई शेप में है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन में। सो इसमें क्या है कि जब हम इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इस केस में पहुंच जाएंगे और इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो इस केस में पहुंच जाएंगे और इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर हमें कंप्लीट क्रॉस मिल जाएगा, ये वाला पूरा प्लस हमें ऊपर में मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ फॉर्मूला अप्लाई करके। सबसे पहले हम इस केस में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फ्रेंड्स, जब आपको कोई भी येलो कलर ऊपर में नहीं मिले ना, एज पीस में कोई भी येलो कलर ऊपर में नहीं मिले, तो आप इस लेयर को किसी भी तरह से रोटेट करके या फिर क्यूब को किसी भी तरह से रोटेट करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बस सॉल्व किया हुआ लेयर आपका नीचे में होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देखिए, इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के बाद हमें ये वाला कंडीशन मिल जाएगा, उल्टा एल शेप वाला कंडीशन। ठीक है, सो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, ऑरेंज कलर मैंने फ्रंट पे रखा हुआ है, राइट साइड में ब्लू कलर है मेरे। ठीक है, सो फॉर्मूला मैं अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रंट राइट यू आर आई यू आई एफ आई, ये देखिए हमें उल्टा एल शेप वाला कंडीशन जो है मिल गया है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको ये बताया था। आप इसको अगर ऐसे टर्न करेंगे तो ये देखिए उल्टा एल शेप वाला कंडीशन दिख रहा है आपको। ठीक है, सो अब इस कंडीशन में जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे और फिर यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हम प्लस वाले सिचुएशन में चले जाएंगे। सो जब आपको इस कंडीशन में मिल जाए फ्रेंड्स क्यूब, ठीक है, सो आपको क्या ध्यान देना है कि क्यूब की होल्डिंग पोजिशन आपको इस तरीके से रखनी है, या तो इस तरीके से या तो इस तरीके से, ये दोनों हमारा राइट पोजीशन है। ठीक है, मतलब इस तरीके का होल्डिंग पोजीशन जो ये सही है। ठीक है, जो येलो कलर जिसमें आपका ऊपर हो या तो एक फ्रंट पे रखिए या तो एक राइट साइड में रखिए, फ्रंट और राइट साइड में ये सही पोजीशन है, या तो फिर आप लेफ्ट साइड पे रखिए और बैक साइड पे रखिए, ये हमारा करेक्ट होल्डिंग पोजीशन है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे पकड़ते हैं या फिर ऐसे पकड़ते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होल्डिंग पोजीशन है। ठीक है, मतलब बैक और राइट साइड में और फ्रंट और लेफ्ट साइड में अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये हमारा रॉन्ग होल्डिंग पोजीशन है। ठीक है, हमें ऐसे नहीं पकड़ना है, हमें इस कंडीशन में पकड़ना है, या तो ऐसे होगा या तो ऐसे होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा राइट पोजीशन है। सो चलिए अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और फॉर्मूला अप्लाई करके इस कंडीशन पे पहुंचते हैं। ये देखिए सेम फॉर्मूला जो स्क्रीन पे दिख रहा है, सेम फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। रेड फ्रंट पे हमारे ग्रीन कलर जो है वो मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, सो फ्रंट राइट यू आर आई यू आई एफ आई, ये देखिए स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन जो है हमें मिल गया है, स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन। अभी क्या है, अभी हमें मतलब इस कॉर्नर पीस को ध्यान नहीं देना, अभी हमें सिर्फ एज पीस से मतलब है। सो आप एज पीस को देखिए, एज पीस में जो है येलो कलर ऊपर में आ गया है। ठीक है, और वो स्ट्रेट लाइन वाले कंडीशन में आ गया है। ठीक है, सो अभी हमने इस कंडीशन में आपको फॉर्मूला अप्लाई करके दिखाया और स्ट्रेट लाइन ला करके आपको दिखाया था। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे भी रख करके अप्लाई करेंगे तो भी आ जाएगा। आप देखिए अप्लाई करके, फ्रंट राइट यू आर आई यू आई एफ आई, ये देखिए स्ट्रेट लाइन वाला कंडीशन मिल गया हमें। ठीक है, सो हमें यही कंडीशन लेकर के आना है और अब हम यहाँ से जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर में क्रॉस बना हुआ
मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एक शॉर्टकट भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जब आपको क्यूब जो है मतलब उल्टे एल वाले कंडीशन में मिलेगा ना, ठीक है, सो हम डायरेक्ट प्लस वाले स्टेज पे भी जा सकते हैं। ठीक है, जब आपको उल्टे एल वाले कंडीशन में मिलेगा, ठीक है, सो आप क्यूब की होल्डिंग पोजिशन अगर ऐसे रखेंगे, एक पीस को फ्रंट पे रखिए और एक पीस को आप राइट साइड में रखिए जिसमें येलो कलर ऊपर में हो। ठीक है, और फ्रंट में जब आप इस लेयर को टर्न कर रहे होते हैं तो आपको दोनों लेयर को एक साथ टर्न करना है फ्रंट में। ठीक है, ये देखिए दोनों लेयर मैंने एक साथ टर्न किया, फॉर्मूला सेम है आपका। ठीक है, राइट यू आर आई यू आई और फ्रंट इनवर्स का मतलब ये हो गया आपका, ये दोनों। ठीक है, ये देखिए दोनों मैंने एक साथ इधर टर्न किया था, एक साथ मैं वापस कर रहा हूँ इधर। ठीक है, सो ये देखिए हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया। सो अगर आप शॉर्टकट यूज़ करना चाहें तो इस तरीके से शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको साइड कर देता हूँ। सो अब हमें स्ट्रेट लाइन मिल गया, वो मैंने आपको बता दिया डायरेक्ट एल शेप से आप कैसे प्लस पे जा सकते हैं। ठीक है, सो ये स्टेप बाय स्टेप वाला मेथड है, आप इस स्टेप को भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको उल्टा एल शेप वाला कंडीशन मिलता है तो आप डायरेक्टली दोनों लेयर को टर्न करके सीधा प्लस वाले कंडीशन में भी पहुंच सकते हैं। ठीक है, सो अब हम यहां से आपको प्लस वाले कंडीशन में ले जाना बताते हैं। ठीक है, सो जब हमें इस कंडीशन में मिल जाए क्यूब फ्रेंड्स, तो हमें क्यूब की होल्डिंग पोजीशन ऐसे रखनी है। ठीक है, कि हमारा जिस पीस में मतलब जिस भी एज पीस में येलो कलर ऊपर हो वो एक राइट साइड में हो और एक लेफ्ट साइड में हो, मतलब एक राइट लेयर में एक लेफ्ट लेयर में हो। ठीक है, क्यूब की होल्डिंग पोजीशन हमें ऐसे नहीं रखनी है, ये रॉन्ग साइड है, ये गलत है। हमारा राइट जो है वो ये है। ठीक है, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड। ठीक है, और ऐसे ही पकड़ करके हमें फार्मूला अप्लाई करना है जिससे कि हमारा ऊपर में क्रॉस बन जाएगा। मैं आपको फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रंट पे ऑरेंज, राइट साइड पे ब्लू कलर है। ठीक है, फ्रंट राइट यू आर आई यू आई एफ आई, ये देखिए हमारा क्रॉस ऊपर में कंप्लीट हो गया जो हमें क्रॉस बनाना था। ठीक है, सो ये देखिए क्यूब जो है कुछ इस कंडीशन में आ गया है बिल्कुल, जिसमें कि हमारा ऊपर क्रॉस बन गया है और एज पीस का जो दूसरा साइड है वो अभी सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है। सेंटर के साथ हमें मैच कराना है और इस कंडीशन में लेकर के आना है। ठीक है, सो अभी इस क्यूब को आप देखिए, अभी हमारा क्रॉस तो बन गया है लेकिन एज पीस का जो साइड है, दूसरा साइड जो है वो सेंटर के साथ मैच नहीं कर रहा है। ये देखिए एक पीस जब हम मैच कराते हैं तो दूसरा मैच नहीं कर रहा, तीसरा चौथा ये मतलब मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, सो ये स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको एज पीस को किस तरीके से, एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको हम सेंटर के साथ कैसे मैच कराते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सो फ्रेंड्स, जब हमारा क्रॉस कंप्लीट हो जाता है टॉप लेयर पे, ठीक है, सो हमें इसमें दो कंडीशन मिलेंगे फ्रेंड्स। क्रॉस कंप्लीट होने के बाद जब हम एज पीस का जो दूसरा साइड है वो हम सेंटर के साथ जब मैच करा रहे होंगे तो इसमें हमें दो कंडीशन मिलेंगे। पहला कंडीशन तो ये होगा कि कोई भी दो अपोजिट साइड वाले एज पीसेस आपका सही तरीके से फिक्स होगा। ये देखिए यहाँ पर सही तरीके से एक एज पीस और ये वाला एज पीस लगा हुआ और ये अपोजिट है। ठीक है, अगर आप इसको टर्न करते हैं एक बार तो कोई भी फिक्स नहीं है, लेकिन फिर से एक बार टर्न करेंगे आप, ठीक है, तो ये देखिए ये वाला एज पीस और ये वाला एज पीस जो है वो ऊपर से तो प्लस बना ही हुआ है, दूसरे साइड से भी आपका सेंटर के साथ मैच कर रहा है, यानी कि अपोजिट वाला एज पीस आपका सही तरीके से लगा हुआ होगा। ठीक है, ये एक कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि ये अपोजिट वाला कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही दो कंडीशन आपको मिलेंगे, ये अपोजिट वाला कंडीशन अगर आपको मिला तो ठीक है, और नहीं तो अपोजिट वाला कंडीशन आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए अगर मैं इसको टर्न करता हूँ तो यहाँ पर ये वाला पीस सही तरीके से लगा हुआ है, ये सही से नहीं लगा हुआ है, ये भी नहीं लगा हुआ है, ये भी नहीं लगा हुआ है, मतलब इसमें एक पीस सही तरीके से लगा हुआ है। आप इसको टर्न करेंगे तो इसमें और भी दूसरे केसेस मिलेंगे लेकिन आपको ये ऑपोजिट वाला पैटर्न नहीं मिलेगा। ठीक है, सो जब आपको ऑपोजिट वाला पैटर्न मिलता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस केस में आपको इस पैटर्न को बस ख़राब करना होता है। ठीक है, इस पैटर्न को ख़राब करना होता है और ख़राब करके आपको तीन कंडीशन में लेकर के आना होता है। ठीक है, पहला कंडीशन होता है क्लॉकवाइज, दूसरा कंडीशन होता है एंटी क्लॉकवाइज, और तीसरा कंडीशन होता है फ्रंट लेयर और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन। ठीक है, मैं आपको तीनों कंडीशन इसमें दिखा देता हूँ। ठीक है, सो जब आपका ऑपोजिट वाला एज पीस सही तरीके से होगा ना, जब आप इस पैटर्न को ख़राब कर देंगे, ठीक है, तो उन तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन आपको मिल जाएगा ऑटोमेटिकली, और उसी कंडीशन में आप जब वो तीनों कंडीशन मिल जाता है आपको, ठीक है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करके फिर उसको आसानी से फिक्स कर सकते हैं। और इस सिचुएशन में मतलब एज पीस का जो दूसरा साइड है उसको सेंटर से मैच करने के लिए बस हमें दो फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस दो फॉर्मूला को याद करके हम
इस सिचुएशन से मतलब इस पैटर्न को ख़राब भी कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फ्रंट लेयर और राइट लेयर के एच पीस को एक्सचेंज करने वाला जो सिचुएशन आता है उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको सारी सिचुएशन सभी इसमें दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए जब ये ऑपोजिट वाला मिल रहा होगा, ठीक है, तो बस ये ऑपोजिट ही मिल रहा होगा, इसमें दूसरा कोई भी मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फ्रंट राइट लेयर को एच पीस फ्रंट राइट लेयर के एच पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन काम नहीं करेगा, ठीक है। और जब ये पैटर्न ख़राब हो जाएगा तो सारा कंडीशन काम करेगा, मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। जैसे ये देखिए इसमें आपका ऑपोजिट वाला पैटर्न नहीं है, ठीक है। सो ऑपोजिट वाला पैटर्न नहीं है तो आपको वो तीनों सिचुएशन इसमें मिल जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए मैंने इस लेयर को रोटेट किया, ठीक है, आप वो तीनों सिचुएशन खुद से इस लेयर को रोटेट करके बना सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं रेड को अगर सामने रख रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैच करा रहा हूँ, तो ये ग्रीन भी मैच कर रहा है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला एज पीस गलत जगह पे लगा हुआ, ये वाला एज पीस गलत जगह पे लगा हुआ, मतलब इस एज पीस को यहाँ जाना है, इस एज पीस को यहाँ आना है, ठीक है। तो ये फ्रंट लेयर और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। सो इसके लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा और इन दोनों एज पीस को हम एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। सो ये हमारा चारों एच पीस सही तरीके से सॉल्व हो जाएगा, और जब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वाला पीस मूव नहीं करेगा, बस ये दोनों पीस आपस में चेंज हो जाएगा, ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा सिचुएशन दिखाता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि इस लेयर को रोटेट करके मैंने ऑरेंज वाले को सही जगह पे मैच कर लिया, ठीक है। सो अब आप इसमें देखिए एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन मिल रहा है, ये देखिए ग्रीन और सॉरी रेड और येलो वाले पीस को यहाँ पर जाना है, और ग्रीन और येलो वाले पीस को यहाँ पर आना है, और ब्लू और येलो वाले पीस को यहाँ पर आना है, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, मतलब रेड और येलो वाला पीस अगर यहाँ पे आएगा तो सही जगह पर आ जाएगा, और ग्रीन और येलो वाला पीस यहाँ पर आएगा तो सही जगह पर आ जाएगा, और ब्लू और येलो वाला पीस यहाँ पर आएगा तो सही जगह पर आ जाएगा। तो अभी जो एंटी क्लॉकवाइज वाला फार्मूला है, ठीक है, मतलब अगर वो फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये वाला पीस जो है मूव नहीं करेगा, मतलब जो भी पीस हम फ्रंट लेयर पे रखेंगे, ठीक है, जो भी एच पीस हम फ्रंट लेयर पे रखेंगे, और हमें किसी एक सही पीस को ही फ्रंट लेयर पे रखना है, ठीक है। सो ये वाला पीस हमारा मूव नहीं करेगा, और ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन बन गया है, ठीक है। और एक क्लॉकवाइज सिचुएशन भी मिलेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। क्लॉकवाइज सिचुएशन ये देखिए, क्लॉकवाइज सिचुएशन में भी वही होता है कि फ्रंट लेयर पे जो भी हम एज पीस रखेंगे वो आपका चेंज नहीं करता है, ठीक है, मतलब मूव नहीं करता है। तो मैंने एक एज पीस मतलब इस लेयर को रोटेट करके जो सही एज पीस था, मतलब एक एज पीस को सही तरीके से सेंटर के साथ मैच करा लिया, और अब देखिए क्लॉकवाइज सिचुएशन बन रहा है। येलो ग्रीन वाला पीस अगर यहाँ पर आता है येलो ग्रीन वाले प्लेस पे, मतलब यहाँ पर आता है ग्रीन वाले प्लेस पे, तो ये देखिए ग्रीन ग्रीन के साथ मैच कर जाएगा, और ऊपर तो येलो रहना ही है, ठीक है। और रेड येलो वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा तो सही जगह पर आ जाएगा, और ऑरेंज और येलो वाला पीस जो है वो अगर यहाँ पर आ जाता है तो ऑरेंज और येलो वाले प्लेस पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ना क्लॉकवाइज सिचुएशन, ठीक है। सो इन तीनों सिचुएशन में क्लॉकवाइज सिचुएशन, एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन और फ्रंट लेयर राइट लेयर को एक्सचेंज करने वाले सिचुएशन में बस आपको दो ही फार्मूला याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। और उन दोनों फार्मूला के थ्रू हम इन सारे सिचुएशंस को कवर कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले मैं आपको ये तीनों सिचुएशन में सॉल्व करना सिखाता हूँ क्यूब, ठीक है। सो अभी मैं आपको क्लॉकवाइज सिचुएशन में फार्मूला अप्लाई करके दिखाता हूँ, ठीक है। मतलब ये वाला पीस हमारा मूव नहीं करेगा, ये वाला एच पीस हमारा मूव नहीं करेगा जो सही तरीके से हमने फिक्स कर दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रीन वाला पीस जो है यहाँ पर आ जाएगा, रेड वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला पीस जो है ऑरेंज वाला वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, तो क्लॉकवाइज सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज सिचुएशन के लिए आप ऊपर फार्मूला देखिए, आर यू इनवर्स आर इनवर्स यू इनवर्स आर यू इनवर्स आर इनवर्स, ठीक है। सो ये देखिए ये वाला पीस जो है मूव नहीं किया, यहाँ पर सही पीस आ गया, यानी कि ऑरेंज वाला पीस यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर गया, और यहाँ वाला पीस यहाँ चला गया, यहाँ वाला पीस यहाँ चला गया। इस तरीके से हमारा चारों एज पीसेस जो है वो सही तरीके से फिक्स हो गया, ठीक है। सो आपने देख लिया बहुत आसानी से हमने क्लॉकवाइज सिचुएशन का फार्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज और फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स अभी मैंने क्यूब चेंज किया है, ठीक है, ताकि मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन भी दिखा सकूँ, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन में मैंने अभी इसको ला रखा है, और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि आप बस टॉप लेयर को खुद से टर्न करेंगे और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और फ्रंट लेयर राइट लेयर के एच पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन खुद से बना सकते हैं, ठीक है। सो मैंने चूंकि वो क्यूब
के चारों एज पीसेस को सही तरीके से फिक्स कर दिया था, तो मैंने अभी क्यूब को चेंज किया है और एंटी क्लॉकवाइज वाली सिचुएशन में ला रखा है, ठीक है। सो ये वाला देखिए एज पीस सही तरीके से सही जगह पे लगा हुआ है, और ये ग्रीन और येलो वाले पीस को यहाँ पर जाना है, ठीक है, ग्रीन और येलो वाले प्लेस पे, और ऑरेंज येलो को यहाँ पर जाना है और रेड येलो को यहाँ पर आना है, ठीक है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज सिचुएशन हो गया। इसमें भी आपका मैंने वही बताया था कि यहाँ पर जो एज पीस होगा, मतलब फ्रंट लेयर पे जो एज पीस होगा टॉप पे, ये मूव नहीं करेगा और ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज के लिए फॉर्मूला आप ऊपर स्क्रीन पे देखिए, आर यू आर इनवर्स, यू आर U inverse, R inverse, ठीक है। सो ये देखिए ये पीस मूव नहीं किया, वैसे का वैसा ही है, और यहाँ पर भी सही पीस आ गया, यहाँ पर भी सही पीस, यहाँ पर भी सही पीस, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गए, ठीक है। सो आपने ये दोनों सिचुएशन देख लिया। अब मैं आपको फिर से क्यूब चेंज करता हूँ और फ्रंट लेयर और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन भी दिखाता हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए, अब ये क्यूब जो है, मतलब मैंने फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाले कंडीशन पे ला रखा है इस टॉप लेयर को, ठीक है। सो अभी देखिए क्यूब उसी कंडीशन में कि दोनों लेयर हमारा सॉल्व है, ठीक है, और इस लेयर को जब हम टर्न करेंगे, ठीक है, तो मतलब आपको मैंने वैसे भी बताया कि कोई भी सिचुएशन आप खुद से इसको टर्न करके बना सकते हैं, तो अभी मैंने इसको और इसको टर्न करके सही प्लेस पे रखा है, ठीक है। ये देखिए मैंने टर्न करके इसको सही प्लेस पे रखा है, और अब हमें इस एज पीस को यहाँ और इस एज पीस को यहाँ, मतलब इन दोनों को आपस में एक्सचेंज करना है, तब जाकर के ये सही तरीके से फिक्स होगा। सो ये फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन है, ठीक है। और इसमें फ्रेंड्स सेम फार्मूला अप्लाई होता है जो हम क्लॉकवाइज के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, सेम फार्मूला है, ठीक है। बस लास्ट में हमें एक यू इनवर्स एक्स्ट्रा करना होता है, ठीक है। सो आप फॉर्मूला स्क्रीन पे देखिए और आप क्लॉकवाइज वाले फॉर्मूला से मैच कर लीजिएगा, सेम फॉर्मूला है, बस लास्ट में एक यू इनवर्स एक्स्ट्रा करना है, ठीक है। सो फ्रंट लेयर और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने का जो फॉर्मूला है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ। ब्लू मेरे फ्रंट पे है और राइट साइड में मैंने रेड सेंटर को रखा हुआ है, ठीक है। सो आर यू इनवर्स, आर इनवर्स, ठीक है। सो यू इनवर्स मैंने लास्ट में एक्स्ट्रा किया, जो कि एंड क्लॉकवाइज वाले सिचुएशन में नहीं था। अब ये देखिए ये दोनों एज पीसेस आपस में एक्सचेंज होकर के सही हो गए, और मैंने आपको बताया था कि ये वाला एज पीस और ये वाला एज पीस मूव नहीं करेगा फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को जब हम एक्सचेंज कर रहे होंगे तो, ठीक है। सो मैंने आपको तीनों सिचुएशंस बता दिया दो फार्मूला के थ्रू, ठीक है, और आपका ऊपर में क्रॉस भी बन गया और एज पीस का जो दूसरा साइड है वो आपका सेंटर के साथ मैच भी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि जब ऑपोजिट साइड वाले एज पीसेस आपको सही मिलेंगे, ठीक है, मतलब दो एज पीसेस ऑपोजिट वाले कंडीशन में होगा, तो कोई भी एक फार्मूला लगा दीजिए, दोनों फार्मूला जो मैंने आपको बताया, ठीक है, दोनों या तीनों जो भी फार्मूला आप बोल लीजिए, ठीक है, फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, कोई भी फार्मूला आप अप्लाई कर लीजिए और इस पैटर्न को बस ख़राब कर दीजिए, फिर आपको उन्हीं तीनों सिचुएशन में से कोई सिचुएशन मिल जाएगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, या फिर फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन, ठीक है। सो चलिए मैं अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज वाला फार्मूला अप्लाई करके इस पैटर्न को बिगाड़ देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज वाला फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये वाला मूव नहीं करेगा, ये वाला एज पीस, ठीक है, और ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, तो जब ये वाला पीस इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ऑपोजिट वाला पैटर्न ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। तो हमें बस पैटर्न खराब करना है और फिर हमें वही तीन सिचुएशन मिल जाएगा, ठीक है। सो एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर यू आर इनवर्स, यू आर यू इनवर्स आर इनवर्स, ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला पीस था वो इधर आ गया, मतलब इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज मूव कर गया, और ये ऑपोजिट वाला पैटर्न जो है इसका खराब हो गया। अब आप देखिए आपको तीनों सिचुएशन मिल जाएगा। ये देखिए दो एज पीस सही तरीके से लगे हुए यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। अब ये देखिए फ्रंट और राइट लेयर के एज पीस को एक्सचेंज करने वाला कंडीशन आपको मिल गया, और अगर आप इसको रोटेट करते हैं तो आप ये देखिए क्लॉकवाइज कंडीशन मिल रहा है। रेड वाला यहाँ पे जाएगा, ब्लू वाला यहाँ पर आएगा, और ग्रीन वाला जो है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये क्लॉकवाइज कंडीशन आपको मिल गया। उसके बाद आपको अगर इसको आप टर्न करते हैं, ठीक है, तो ये देखिए आपको एक मिनट, हाँ अगर आपने ये ग्रीन वाले को मतलब सही से मैच किया, मैंने मतलब इसको टर्न करके खुद से हमें देखना होता है कंडीशन, ठीक है। सो ये ग्रीन वाले को अगर मैंने सेंटर के साथ मैच किया तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन भी मिल रहा है। ब्लू वाला यहाँ पे चला जाएगा, रेड वाला यहाँ पर आ जाएगा,
और ऑरेंज वाला यहाँ पर आ जाएगा तो ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो आप बस वही फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। मैं फिर से वही आंटी, चलिए मैं क्लॉकवाइज वाला दूसरा फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ इसमें, ठीक है। फ्रंट और राइट लेयर के एच पीस को एक्सचेंज करके इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला एच पीस दोनों सही तरीके से फिक्स है, ठीक है। सो आप कोई भी फार्मूला अप्लाई कर लीजिएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज या फिर फ्रंट और राइट लेयर के एच पीस को एक्सचेंज करने वाला। सो अभी मैं एक्सचेंज करने वाला फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ, आर U inverse, R inverse, U inverse, ठीक है। सो ये देखिए ये एक्सचेंज होकर के सही फिक्स हो गए और ये तो वैसे ही एज इट इज़ हैं, ठीक है। इस पर कोई मूवमेंट नहीं होता है। सो इस तरीके से हमारा फोर्थ स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब हम लास्ट और फाइनल स्टेप में हैं, जिसमें कि हमें 1, 2, 3, 4 इन चारों कॉर्नर्स को सही तरीके से फिक्स करना होता है। सो मैं आपको वो फिफ्थ स्टेप भी बताता हूँ फ्रेंड्स। इस फिफ्थ स्टेप में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि चारों कॉर्नर्स को सही प्लेस पे ले करके जाना होता है और उसके बाद हमें सही तरीके से कलर वाइज फिक्स करना होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर के कॉर्नर की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा कॉर्नर पीस लगने वाला है। एक कलर कॉर्नर में ग्रीन होना चाहिए, एक ऑरेंज होना चाहिए और एक येल्लो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कौन सा कॉर्नर है, ब्लू येल्लो और ऑरेंज वाला, यानी कि गलत कॉर्नर पीस है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी गलत कॉर्नर पीस है, ग्रीन रेड और येल्लो के बजाय ब्लू रेड और येल्लो है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए गलत कॉर्नर पीस है, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी गलत कॉर्नर पीस है, ठीक है। सो इसमें आपको फ्रेंड्स दो कंडीशन मिलेंगे, ठीक है। या तो आपको कोई भी कॉर्नर पीस सही प्लेस पे नहीं मिल रहा होगा, ठीक है, या तो कोई एक कॉर्नर पीस सही प्लेस पे होगा, ठीक है। या तो कोई भी कॉर्नर पीस सही प्लेस पे नहीं होगा या तो कोई एक कॉर्नर पीस सही प्लेस पे होगा, ठीक है। सो अब हम इस लेयर को रोटेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रोटेट करेंगे तो हमारा ये देखिए ये वाला एच पीस जो है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जो हमने सेकेंड लेयर के सेंटर के साथ मैच कर रखा है, ठीक है। सो जब हमें कोई भी कॉर्नर पीस सही प्लेस पे नहीं मिलेगा, ठीक है, सो ऊपर एक फार्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब हम उस फार्मूला को अप्लाई करेंगे ना तो कोई भी एक कॉर्नर पीस हमारा सही प्लेस पे आ जाएगा, और जब सही प्लेस पे आ जाएगा तो उसके बाद फिर कैसे आगे बढ़ना है मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। और ऊपर जो फॉर्मूला है उसका इफ़ेक्ट भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, जब आप ऊपर एल इनवर्स वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे होंगे उसमें जो भी पीस आपके फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे होगा, मतलब जो भी कॉर्नर पीस आपके फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे होगा वो वाला कॉर्नर पीस मूव नहीं करेगा, और बाकी तीनों पीस, ये वाला पीस, ये वाला पीस और ये वाला पीस, ये क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, मतलब ये वाला पीस यहाँ चला जाएगा, ये वाला पीस यहाँ और ये वाला पीस यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सो अभी हमें कोई भी कॉर्नर पीस सही प्लेस पे नहीं मिल रहा, आप देख चुके हैं, ठीक है। सो अब हम अगर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ठीक है, किसी भी साइड से अप्लाई कर सकते हैं फार्मूला, तो कोई एक पीस हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर से फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये देखिए ये वाला पीस तो मूव नहीं करेगा, मैंने आपको बताया फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर पीस, ठीक है, और ये तीनों क्लॉकवाइज मूव करेंगे, यानी कि ये वाला पीस जो है ब्लू येलो और रेड वाला पीस यहाँ पर जाएगा, ये देखिए ये सही प्लेस पर चला जा रहा है आपका, ठीक है, एक बार में ये सही प्लेस पे चला जा रहा है। और ये ग्रीन वाला पीस इधर आ जाएगा, ग्रीन रेड और येलो वाला, और ऑरेंज ग्रीन और येलो वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, जो कि ये गलत प्लेस पे आ रहा है, लेकिन ये वाला पीस जो है हमारा सही हो जा रहा है। तो हमें सबसे पहले किसी एक पीस को सही करना है, ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए हम फार्मूला ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं, दूसरे साइड से भी आप अप्लाई करेंगे, आप किसी भी साइड से अप्लाई करेंगे तो कोई भी एक पीस सही हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये वाला पीस तो मूव नहीं करेगा, ये देखिए ये वाला पीस यहाँ पर चला जाएगा, ये वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला पीस जो है, सॉरी, ये वाला पीस देखिए, ये वाला पीस इसमें सही जगह पे चला जा रहा है, ऑरेंज येलो और ब्लू वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा जो कि सही प्लेस पे नहीं आ रहा, और ये देखिए ब्लू रेड और येलो वाला पीस यहाँ पर आ जाएगा जो कि सही जगह पर आ रहा है, ब्लू रेड और येलो वाला पीस, ये देखिए ब्लू ब्लू के साइड, रेड रेड के साइड और येलो येलो के साइड मैच कर जाएगा, ठीक है। सो ऐसे ही फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं, ये वाला पीस मूव नहीं करेगा, ठीक है। फार्मूला आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं, वो फार्मूला आप अप्लाई कीजिए, ऑरेंज मेरे फ्रंट पे है, राइट साइड पे ब्लू कलर है, ठीक है, एल इनवर्स यू आर यू इनवर्स एल यू आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पर वाला पीस सही हो जाएगा,
मतलब ये देखिए ये सही प्लेस पे आ गया, सही तरीके से नहीं लगेगा अभी, सही तरीके से हम लास्ट स्टेप में फिक्स करेंगे जब चारों कॉर्नर पीस हमारा सही प्लेस पे आ जाएगा तब, ठीक है। सो अभी ये वाला कॉर्नर पीस हमारा सही प्लेस पे आ गया है। अब हमें क्या करना है कि जब ये वाला कोई भी एक कॉर्नर पीस सही प्लेस पे आ जाएगा तो जो सही वाला कॉर्नर पीस होगा उसको हमें फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे ही रखना है, फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे, ठीक है। और उसके बाद हमें सेम फार्मूला अप्लाई करना है, सेम फार्मूला हमें एक या दो बार अप्लाई करना पड़ेगा मैक्सिमम, ठीक है। और उसके बाद हमारे ये तीनों कॉर्नर पीस भी जो हैं वो सही हो जाएंगे, ठीक है। आप वो चीज़ माइंड में ही देख सकते हैं क्योंकि आपको इसका इफेक्ट पता है कि ये वाला कॉर्नर पीस मूव नहीं करेगा, फ्रंट राइट लेयर का टॉप कॉर्नर पीस मूव नहीं करेगा और ये तीनों पीसेस क्लॉकवाइज मूव कर जाएंगे, ठीक है। सो आप माइंड में देखिए येलो ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस एक बार में यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए सही प्लेस पे आ जाएगा, येलो ग्रीन और ऑरेंज वाला पीस सही प्लेस पे आ जाएगा, आप देख रहे हैं। और ये देखिए ग्रीन रेड और येलो वाला पीस जो है वो यहाँ पर सही प्लेस पे आ जाएगा, ग्रीन येलो और रेड वाले प्लेस पे। और यहाँ पर देखिए येलो ब्लू और ऑरेंज वाला पीस जो है वो यहाँ पर आ जाएगा सही प्लेस पे, ऑरेंज ब्लू और येलो वाले प्लेस पे, ये देखिए ऑरेंज ब्लू और येलो वाला पीस, ठीक है। सो आपको अभी यहाँ पे एक बार में ही सारे कॉर्नर पीसेस सही होते हुए दिख रहे हैं, मतलब सही प्लेस पे जाते हुए दिख रहे हैं, किसी केस में आपको दो बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है। सो मैक्सिमम दो बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक बार में जा रहा है तो मैं एक बार अप्लाई करूँगा, और अगर आपका क्यूब मतलब आपका कॉर्नर दो बार में सॉल्व हो रहा होगा तो आपको दो बार अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो सेम फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, जो सही पीस है उसको मैंने फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे रखा है, ठीक है। एल इनवर्स यू आर, यू इनवर्स एल, यू आर इनवर्स यू इनवर्स, ठीक है। सो ये देखिए ये वाला कॉर्नर पीस तो सही प्लेस पे था ही, ये कॉर्नर पीस सही प्लेस पे आ गया और सही तरीके से लग भी गया है, ठीक है। ये भी कॉर्नर पीस सही प्लेस पे आ गया और सही तरीके से लग गया, और ये भी कॉर्नर पीस सही तरीके से मतलब सही प्लेस पे आ गया, सही तरीके से नहीं लगा है, ठीक है। सो कभी कभी ऐसा होगा कि आपको कुछ कॉर्नर पीसेस जो है सही तरीके से लगे हुए भी मिल जाएंगे और कुछ कॉर्नर पीसेस सही तरीके से नहीं भी लगे हुए मिलेंगे, ठीक है। और जब आपको सही तरीके से लगे हुए मिल जाएंगे तो उनको आपको सही तरीके से मतलब अरेंज नहीं करना होगा, और जो सही तरीके से नहीं लगे हुए मिलेंगे सिर्फ आपको उनको फिक्स करना होगा, ठीक है। सो मैं आपको दोनों सिचुएशन अभी दिखा देता हूँ, ठीक है। जब आपका सारा कॉर्नर सही प्लेस पे चला गया और जो कॉर्नर आपका सही तरीके से लग गया अब आप उसको छोड़ दीजिए, वो आपका सॉल्व हो गया है, ठीक है। और जो कॉर्नर आपका सही तरीके से नहीं लगा हुआ है उस कॉर्नर पीस को आपको सही तरीके से फिक्स करना है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे RIDIRD वाला फार्मूला अप्लाई करना होता है, जो हम फर्स्ट लेयर के कॉर्नर को फिक्स करने के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, RIDIRD में पूरा फार्मूला हमें लास्ट में D भी अप्लाई करना होता है, ठीक है, जिससे कि मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। सो उस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, और क्यूब की होल्डिंग पोजीशन हमें वैसे रखनी है कि जिस पीस को भी हमें सही करना होगा, मतलब इसका येलो कलर ऊपर करना है, तो वो वाला पीस फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे होगा, ठीक है। और RIDIRD वाला फार्मूला फिर से मैंने ऊपर लिख दिया, आप देखिए और सेम फार्मूला अप्लाई कीजिए, RIDIRD, ठीक है। आपका क्यूब जो मेसअप हो रहा है आप उस चीज़ को अभी इग्नोर कीजिए, आपका जब तक मतलब यहाँ पर इस कॉर्नर में जब तक येलो कलर ऊपर नहीं आ जाता है, ठीक है, अभी तो ये वाला कॉर्नर नीचे आ गया है, ठीक है। सो इसका येलो कलर, इस कॉर्नर का येलो कलर जब तक ऊपर नहीं आ जाता है तब तक आपको ये फार्मूला रिपीट करते रहना है जैसा आप फर्स्ट लेयर में कर रहे थे, ठीक है। सो RIDIRD, दो बार में भी नहीं हुआ, अगेन RIDIRD, ये देखिए R में सही तरीके से लग गया लेकिन D भी कंप्लीट करना है, D आप नहीं करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा क्यूब, ठीक है। अब एक कॉर्नर पीस आपका सही तरीके से लग गया, अब आपको क्यूब को टर्न नहीं करना है, ठीक है, क्यूब की होल्डिंग पोजीशन वैसे ही बनाए रखनी है और इस लेयर को टर्न करना है आपको। और जो भी कॉर्नर पीस आपका सही तरीके से नहीं लगा हुआ है उसको आप फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे लेकर के आएंगे। अगर ये वाला कॉर्नर पीस सही तरीके से नहीं लगा होता तो इस पीस को हम लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे। अभी ये वाला कॉर्नर पीस सही तरीके से नहीं लगा हुआ है तो हमने इस लेयर को रोटेट करके इस कॉर्नर पीस को फ्रंट राइट लेयर के टॉप कॉर्नर प्लेस पे लेकर के आ गए हैं, और सेम फार्मूला हमें अप्लाई करना है, RIDIRD, ये देखिए हमारा क्यूब जो है फाइनली सॉल्व हो गया है।
ठीक है। सो इसमें फ्रेंड्स मैंने वैसे सारे कंडीशंस कवर किए हुए, कोई भी ऐसा कंडीशन नहीं होगा जो कि इसमें कवर नहीं किया गया है, ठीक है। अब लास्ट लेयर में जो एक सिचुएशन आपको मैंने बताया था कि हो सके आपको चारों कॉर्नर पीसेस मिसमैच तरीके से मिलेंगे, आपको चारों में RIDI RID अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ अभी। सो ये देखिए मैंने क्यूब को चेंज करके उस कंडीशन में ला रखा है कि हमारा दोनों लेयर सॉल्व है, ठीक है। ऊपर भी हमारा क्रॉस बना हुआ है, एज पीस का जो दूसरा साइड है वो भी सेंटर के साथ मैच कर रहा है, और चारों कॉर्नर पीसेस ये देखिए, ये भी कॉर्नर पीस सही जगह पे है, ये भी कॉर्नर पीस सही जगह पे है, रेड ब्लू और येलो वाला कॉर्नर पीस अपने सही प्लेस पे है, ये भी सही प्लेस पे है, ठीक है, और ये भी सही प्लेस पे है, लेकिन चारों कॉर्नर पीसेस सही तरीके से अरेंज नहीं है। आपको इस क्यूब में दो कॉर्नर पीस सही तरीके से लगे हुए मिल गए थे तो हमने दो को फिक्स किया था, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको चारों सही तरीके से नहीं लगा हुआ मिलेगा तो चारों को आपको 1x1 RIDI RID फार्मूला अप्लाई करके फिक्स करना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, जब चारों आपको सही तरीके से अरेंज नहीं मिलेगा ना तो हम किसी भी साइड से RIDI RID फार्मूला अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि जब आप फार्मूला अप्लाई कर दें उसके बाद फिर आप क्यूब को टर्न नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले आप टर्न कर सकते हैं, क्यूब को लेयर को टर्न नहीं करना है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आप क्यूब को टर्न नहीं करेंगे, फिर आप टॉप लेयर को टर्न करेंगे, ठीक है। सो चलिए मैं यहाँ से इस पीस से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ, मतलब इस पीस को अरेंज करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, उसी फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है इस पीस को, अब मतलब इस पीस का येलो कलर अब हमें ऊपर करना है, ठीक है। और मैंने रेड कलर जो है, मतलब रेड सेंटर पीस फ्रंट पे रखा हुआ है, राइट साइड पे मेरे ग्रीन सेंटर पीस है, ठीक है। और जो स्क्रीन पे फॉर्मूला है RIDI RID वाला, बस वही फार्मूला हमें अप्लाई करना है, RIDI RID भी कंप्लीट करना है, डी भी कंप्लीट किया मैंने, ठीक है। एक पीस हमारा सही हो गया, अब हम क्यूब को रोटेट नहीं करेंगे, मैंने आपको कहा टॉप लेयर को रोटेट करेंगे अब हम, ठीक है। सो एक एक करके इन तीनों पीसेस को यहाँ पर लेकर के आना है अब हमें। ये वाला पीस आ गया यहाँ पे, अगर ये वाला पीस बाई चांस सही होता तो हम इस पीस को लेकर के आ जाते, ठीक है। सो किसी भी पीस को हम ला सकते हैं। सो चलिए अब हम इसी पीस को लेकर के आ गए और इसी पीस को अब हम ठीक करते हैं, ठीक है। सो RIDI RID, ठीक है, डी भी कंप्लीट किया मैंने। ये देखिए दो पीसेस हमारे सही तरीके से लग गए, अब इन दोनों में से किसी को भी हम लेकर के आ जाते हैं यहाँ पे। चलिए इसको लेकर के आ गए, RIDI RID, डी भी कंप्लीट किया मैंने, और ये तीनों पीसेस सही से फिक्स हो गए। अब ये लास्ट वाला पीस, इसको भी हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने इस लेयर को टर्न किया है, ठीक है, एक बार फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्यूब को रोटेट नहीं किया, इस लेयर को टर्न किया मैंने, ठीक है। अब इस पीस का येलो कलर ऊपर आएगा और क्यूब सॉल्व हो जाएगा, RI, मतलब क्यूब में जो भी इधर मेसअप हो रहा है ना, आप उस चीज़ को इग्नोर कीजिए, ठीक है, बस आप इसी फॉर्मूला को रिपीट करते जाइए, RIDI RD, ये देखिए आपका क्यूब जो है कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। सो आई होप फ्रेंड्स कि मैंने आपको जैसा बताया था कि आप 5 मिनट में मैक्सिमम इस क्यूब को सॉल्व कर सकेंगे इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा, ठीक है, सो सारे कंडीशंस मैंने इसमें कवर किए हैं, ठीक है, और आप क्यूब को बहुत आसानी से 5 मिनट में सॉल्व कर सकेंगे। आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तो आप अपना सॉल्व करने का टाइम जो है वो और कम कर लेंगे, मतलब आप 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना कम टाइम पर आप क्यूब को सॉल्व कर सकेंगे। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो और ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ज़रूर से फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और पास में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी जो भी वीडियोज़ अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।